نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. تفسير سورة الفرقان ركوع نمبر 3 آيات نمبر 21. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. जो लोग हमारे हजूर पेश होने का खौफ ही नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, फिर हम अपने रब को देखें. बड़ा घमंड लिए बैठे हैं ये अपने नफ्सों में और हद से गुजर गए हैं अपनी सरकशी में. जिस रोज़ ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी खुशखबरी का दिन नहीं होगा. ये बार बार कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब फरिश्ते आते हैं तो या तो उस कौम और फ़र्द या घराने और माशे पर अजाब आता है और या फिर मौत का वक्त होता है. उनके लिए खुशखबरी का दिन नहीं होगा. चीख उठेंगे पना खुदा की, जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे हम गुबार की तरह उड़ा देंगे. हबा मंसूरा, धूल और गुबार की तरह उड़ा दिए जाएंगे काफरों के आमाल. वो लोग जो ईमान के बगैर और कुरान और हदीस के पैमाने से हट कर अमल करेंगे वो दुनिया में तो होंगे लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से इनको धूल और खाक बना के रेजा रेजा करके मुंतशिर गोया कुन भी कुछ भी उनके हाथ नहीं आएगा और कोई भी वजन पाकर नामाए आमाल में शामिल नहीं किया जाएगा. बस वही लोग जन्नत के मुस्तहिक हैं और उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे. यह हमें हदीस में भी पता चलता है कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद का हिसाब कयामत के दिन सबसे पहले होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से जिन लोगों ने जन्नत में दाखिल होना है वो दोपहर को जुहर से पहले जवाल से पहले वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे. वो जन्नत में जाकर अपने दोपहर का खाना और केलूला करेंगे. तो गोया यही वो तस्करा है कि वो उम्दा मकाम पाएंगे. और वैसे हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से आपने फरमाया था 70,000 अफराद 70,000 लोग वो होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे. उनका कोई सवाल जवाब हिसाब किताब होगा ही नहीं, कोई पूछताछ नहीं होगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत में जाके अपना नाश्ता करेंगे और आपने फरमाया कि जन्नत में इनको सबसे पहले मछली की कलेजी और एक मेंढा जो जन्नत के बागों में चर चुक के मोटा ताज़ा हुआ था उसका गोश्त भून के पेश किया जाएगा. कितनी प्रिसिजन और कितनी फाइनेस्ट डिटेल्स के साथ बात बताई जाती है. काश हम सबको इसका यकीन कामिल हो जाए. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 70,000 अफराद बिला हिसाब बताए थे तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब पूछा ये कौन से खुश नसीब होंगे तो आपने फरमाया ये वो खुश नसीब होंगे जो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करते हैं और खौफ खुदा से रोते हैं. अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा. आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज़ नमूदार होगा और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे. उस रोज़ हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा. जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया होता, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता, उसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी. शैतान तो इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला. कयामत के दिन दोस्तियों के पैमाने पर भी रिग्रेट होगा और
इससे बड़ा रिग्रेट ये होगा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। वो लोग जो दुनिया में बड़े तकब्बुर से हदीस पर नाउज़ुबिल्लाह एतराजात करते हैं, इनकार करते हैं, नुक्ताचीनियां करते हैं, बातें नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इससे बनाते हैं, और सबसे बढ़ के सुन्नत को अपनी जिंदगी में राइज करने में तरद्दुद और शक का शिकार और सुस्ती और काहिली का शिकार होते हैं, वो रिग्रेट्स जो हैं वो उनको कयामत के दिन रिग्रेट्स आएंगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौन है, शाफी महशर हैं, वो कयामत के दिन कहेंगे, क्या कहेंगे अपनी उम्मत के बारे में, कुछ अफराद के बारे में कहेंगे, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि अल्लाह मेरे रब मेरी कौम के कुछ लोगों ने इस कुरान को महजूरा निशाना तज़हीक बना लिया था, इसको छोड़ा हुआ बना लिया था, इसको तर्क किया हुआ बना लिया था, इसको इग्नोर कर दिया था, सेकंड प्रेफरेंस और प्रायोरिटी बना के इसको इसको भुलाया हुआ बना दिया था। वो जो कहा जाता है ना, ताकों पे सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, कौलो करार के मौक़ों पे कुरान याद आता है, कुरान खानियों के मौके पर कुरान याद आता है, नया घर बने तो उसकी इनॉग्रेशन से पहले, शिफ्ट होने से पहले कुरान खानी की शक्ल में, बीमारी आए तो आयत करीमा की शक्ल में, रुख्सती बेटी की करनी है या बहू को घर में दाखिल लाना है तो उसके साए की शक्ल में कुरान से ताल्लुक मौजूद है मेरे माशरे का। अगर बच्चों के ताल्लुक का हाल देखें तो बच्चा 4 या 5 साल का होता है तो एक मौलवी साहब को बुला के, जिनके लबो लहजे के बारे में हम ना तहकीक करते हैं ना तस्दीक करते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला ने हदीस के जरिए हम तक ये बात पहुंचाई है, इकराउल कुरान बिलहुनिल अरब, कुरान को तो अरबों के लबो लहजे में पढ़ा करो, तो हम एक कारी साहब को बुलाते हैं और 4 साल की उम्र में बड़ी सी बिस्मिल्लाह करके कुरान पढ़ा देते हैं और बड़ी सी फिर आमीन करके कुरान की तकमील की खुशी मना लेते हैं। उसके बाद कुछ लोग तो एक आध दफ़ा पढ़ाते हैं लेकिन अक्सर फिर ऐसा बंद होता है कि शायद कभी कभार रमज़ान में खुलता है, और बहुत सी अक्सरियत का तो रमज़ान में भी नहीं खुलता। अल्लाह सुबहाना ताला हमें इस कुरान के ताल्लुक में इस्तकामत अता फरमाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया और तुम्हारे लिए रब ही रहनुमाई और मदद को काफ़ी है। मुनकरीन कहते हैं, इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों नहीं उतार दिया गया? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि इसको अच्छी तरह तुम्हें जहन नशीन करते रहें, और इस गर्ज से हमने इसको ख़ास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। और इसमें यह मसलिहत भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली या अजीब सवाल लेकर आते हैं, उसका ठीक जवाब बर वक्त हम तुम्हें दे दिया करें और बेहतरीन तरीके से बात खोल दिया करें। यह बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि कुरान को यक मुश्त नाजिल नहीं किया गया था, थोड़ा थोड़ा करके बतदरीज ओवर स्लो स्टडी पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, 23 साल की मुद्दत में मक्की और मदनी दौर में नबूवत के बाद इसको मुकम्मल किया गया। और असल में ये एक वजह भी थी जिसकी वजह से वो नुक्ताचीनी करते थे मुशरिकीन मक्का, कि अगर ये अल्लाह की तरफ से होता तो ये यकमुश्त नाजिल होता थी, ये नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घड़ते हैं, इसलिए सारा एक दफ़ा नहीं आया। अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान बतदरीज क्यों उतारा था? एक तो आपको पता है कि वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बोझ, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त तलब बरकला था आपकी आसानी और सहूलत के लिए, आपके आसाब की और हिफ्स की सहूलत के लिए। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बाद उस वक़्त इसको कातिबीन वही को डिक्टेट करके लिखवाते थे तो कातिबीन की सहूलत के लिए, आप हाफजीन को सुनाते थे और वो याद और हिफ्स करते थे तो हाफजीन इकराम उस दौर के उनकी आसानी के लिए, और फिर लोगों को समझाते थे तो लोगों के फहम इदराक और उसके उनकी समझबूझ की आसानी के लिए, और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल की आसानी के लिए। अगर पूरे का पूरा कुरान इसके हलाल हराम, इसके डूज डोंट्स, इसके नवाकी, इसके अवामिर पूरे के पूरे यकमुश्त नाजिल हो जाते तो उन पर अमल करना एक यकबारगी बहुत मुश्किल होता। ये बिल्कुल वैसे है ना कि जैसे बारिश आहिस्ता आहिस्ता बरसती है तो वो सारी की सारी जज़ब हो जाती है, लेकिन एकदम से अगर हैवी डाउनपोर और मूसलाधार बारिश हो तो बहुत सा पानी ज़मीन की सतह पर बह जाता है और बल्कि कीचड़ और फिसलन भी हो जाती है। तो लिहाजा इसीलिए कुरान की तालीमात और वही की बारिश आहिस्ता आहिस्ता बरसाई गई थी ताकि ये दिलों में जज़ब हो जाए।
और फिर ये कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उस माशरे की घुट्टी में राइज थी, उनकी सडन एंड अब्रप्ट रेडिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी, तो लिहाजा उनके बतदरीज पहली डिग्री का हुक्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको माशरे से रेडिकेट किया गया। और ये इंशाल्लाह हम वजाहत से सूरा बकरा में इसकी बात करते हैं अकीदा नस के हवाले से। बहरहाल ये कुछ वजूहात थी। और फिर जैसे यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि बहुत से मौके थे जब मुशरिकीन आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, लाइक सूरा यूसुफ में किया, सूरा कहफ में किया, और इसके अलावा भी सवाल करते थे। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए फिर जो डिफरेंट सिचुएशंस और सिनेरियोस और कंडीशंस और हालात डेवलप हो रही थी उन पर तबसरा करने के लिए, उसमें से असूल और पैगाम जो है वो देने के लिए, जो सहाबा ने गलतियां या कमियां कहीं उनसे हुई तो उनकी गलत रवि उहद पर, बदर पर, खंदक पर, तबूक पर मुकम्मल तबसरे आएंगे। फिर सहाबा इकराम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉन्टिन्यूसली ईमान मजबूत करने के लिए तसल्ली, तशफी, हौसला और ढारस बंधाने के लिए, और मुशरिकीन मक्का को कॉन्टिन्यूसली उनके गलत रवैये पर मुतनब्बे करने और झंझोड़ने के लिए। तो ये मुख्तलिफ वजूहात थी जिसकी वजह से 23 साल की मुद्दत में कुरान को नाजिल किया गया। हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार के तौर पर लगाया और उनसे कहा, जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयात का इनकार कर दिया, आखिरकार उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल कौम नूह अलैहिस्सलाम का हुआ, जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की हमने उनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया, और इन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। इसी तरह आद, समूद, इसहाब और रस, बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए, उनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया, जैसे हमें समझाया जा रहा है। आखिरकार हर एक को गारत कर दिया। और इस बस्ती पर तो उनका गुजर हो चुका है ना, जिस पर बदतरीन बारिश कौन सी, पत्थरों की खिंगरों की बारिश, कौम लूत अलैहिस्सलाम पर। क्या उन्होंने उसका हाल देखा ना होगा, मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्को ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है। याद रखिएगा, दीन की दावत और तबलीग और दीन पर अमल करने के बाद जब मजाक उड़ाया जाता है तो ये अंबिया की सुन्नत है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दीन हक पर चलते हुए अगर आपका कभी मजाक उड़ाया जाए, तनकीद की जाए, एतराजात किए जाए तो दिल तंग नहीं करना, ये सुन्नत अंबिया पर अमल की तौफीक मिल रही है। अल्लाह हमें वला यखाफून लौमत लायम करके किसी मलामत वाले की मलामत की परवाह किए बगैर साबित कदमी से अतात की तौफीक अता फरमा। उसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से बरगश्ता ही कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जम ना गए होते। अच्छा तो वो वक्त दूर नहीं है जब अजाब देखकर उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया, किस पर, जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना लिया, तखज़ा इलाहु हवाहु, अपनी ख्वाहिशाते नफ्स को अपना खुदा बना लिया। क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा रखते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते हैं और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। वो शख्स जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया, अल्लाह सुभाना ताला फरमाते हैं कि वो बहरे हैं, अंधे हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं, और उनको कोई हदायत पर नहीं ला सकता। और अल्लाह के नज़दीक वो लोग जो अपने नफ्स को अपना खुदा बनाते हैं, अल्लाह के नज़दीक उनकी मिसाल जानवर की सी दी जा रही है। पीछे सूरह आराफ में अल्लाह ने उस शख्स की मिसाल जिस अपने नफ्स को अपना खुदा बनाता है, उसकी मिसाल कुत्ते की सी दी गई। नफ्स को खुदा बनाने से क्या मुराद है? कोई भी नफ्स के लिए रोजे नहीं रखता, कोई भी नफ्स के लिए नमाज और बंदगी और सजदे नहीं करता, तो ये क्या मतलब? असल याद रखिएगा, मतलब और बात का मानी ये है कि अल्लाह का और रब का सबसे पहला हक और उसका इख्तियार ये है कि उसकी क्या की जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, बंदगी, अतात और ओबीडियंस उसकी की जाए। ये अल्लाह का सबसे पहला हक और इख्तियार है। तो लिहाजा जब कोई इस हक को अल्लाह के बजाय अपने नफ्स के साथ मंसूब कर लेता है तो ये अल्लाह नफ्स को अपना रब बनाने की बात है। अतात अल्लाह की नहीं, अपने दिल की कर ली। वो जो कहते हैं ना, दिल मांगे और,
तो वो जब दिल की अता, दिल की तमन्नाएं, आरजुएं, खुशियां, जो रजा है, दिल की जो मर्जी है उसको मानना और अल्लाह की मर्जी को छोड़ देना, दिल की तमन्ना को सुनना, अल्लाह के अहकामात को तर्क कर देना, दिल की रजा को देखना, अल्लाह की रजा को छोड़ देना, दिल को खुश करना, अल्लाह की नाराजगी को मोल लेना, ये नफ्स को खुदा बनाने का मामला है। अल्लाह सुबहाना ताला मसलन आप मिसाल देखें कि अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में फरमाता है जरू मा बाकिया मिनर रिबा, देखो जितना तुम्हारे जिम्मे बाकी सूद बचा है ना उसको छोड़ दो। लेकिन नफ्स कहते हैं सूद सूद बिल्कुल ना छोड़ना, सूद लेना, अपनी फैक्ट्री से एक के दो फैक्ट्रियां बनाना, अपनी बिजनेस को बढ़ाना, अपनी बढ़ोतरी करना अपने कारोबार की, किसकी मान ली? अल्लाह की ना मानी, अपने नफ्स की मान ली, ये किसको इलाह बनाया? दिल को, नफ्स को इलाह बना लिया। दिल कहता है बारीक कपड़े, ट्रांसपेरेंट कपड़े, रिवीलिंग कपड़े, हाफ कवर्ड कपड़े जो हैं वो पहन के फिर वो स्मार्ट, रिफाइंड, पॉलिश्ड, बहुत अच्छी लगोगी। लेकिन अल्लाह कहता है लिबासु तक्वा जालिका खैर। अल्लाह कहता है वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, तबर्रुजना करती फिरो, अपने आप को प्रोमिनेंट करके ना पकती फिरो, ट्रांसपेरेंट और चुस्त और बारीक और गैर सातिर लिबास ना पहन के फिरो। अल्लाह कहता है युदनीना अलैहिन्ना मिन जिलाबीबिहिन, लेकिन क्या किया? अल्लाह का रब पसंद लिबास नहीं, मन पसंद लिबास पहन लिया, अडॉप्ट कर लिया। ये क्या है? अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स को जब्त में रखने, नफ्स को कंट्रोल करने और इख्तियारे अमल से सरेंडर करने वाला नफ्स बनाने की दुआ सिखाई है। अल्लाहुमा अल्हिमना रुश्दन वाईज़ना मिन शरूरे अनफुसिना, अल्लाह मुझ पर अपना इल्हाम, रुश्द इल्हाम कर दे, डाल दे मेरे दिल में, उंडेल दे मेरे दिल में रुश्द और हदायत को और गाइडेंस को, और मुझे मेरे नफ्स के शर से बता लेना। अल्लाह हमें जब्त नफ्स अता फरमा, सेल्फ कंट्रोल अता फरमा, और अल्लाह हमें नफ्स खुशी करके रब की बंदगी का तरीका और अदब सिखा। तुमने देखा नहीं तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता। हमने सूरज को इस पर दलील बनाया है, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम उसके साये को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया, और वही है जो अपनी रहमत के आगे हवाओं को बिशारत बना के भेजता है, फिर आसमान से पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को इसके जरिए से जिंदगी बख्शे, और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार उनके सामने पेश करते हैं ताकि वो सबक लें, मगर अक्सर लोग कुफर और नाशुकरी के अलावा दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार करते हैं। अगर हम चाहें तो एक एक बस्ती में एक मुतनब्बेह करने वाला उठा खड़ा करते, बस ए काफिर, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की बात हरगिज़ ना मानो, और क्या करो? वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। सूरा फुरकान की आयत नंबर 52 में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस कुरान के साथ जिहाद कबीरा करो। कुरान के साथ जिहाद कबीरा के दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि कुरान की दावत, इसकी तबलीग, इसकी अशात, इसकी तालीम, इसकी तदरीस, इसका निफाज करो, और वो क्या होगा? वो जाहिद, जाहिदन कबीरा, जिहाद अकबर है। गोया इस आयत की रूह से कुरान की दावत और तबलीग और तालीम और तदरीस क्या है? वो जिहाद अकबर है। और फिर दूसरा मतलब इस आयत का ये है कि जब दुश्मनों के साथ मैदान जंग में जंग करो, जिहाद करो, तो किसके अहकामात के मुताबिक करो, किसकी पॉलिसीज और डिक्टेशंस और हदूद के मुताबिक करो? कुरान के अहकामात के मुताबिक मैदान जंग का किताल और जिहाद भी करो। वही तो है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरी, ये कौन सा है? दरिया का पानी। दूसरा तल्ख और शोर, कौन सा है? समुन्दर का पानी। और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है, एक रुकावट है जो उन्हें गड मड होने से रोक रही है। ये मुशाहिदा जो है वो जमीन पर बसा औकात लोगों ने किया होगा, और इस हकीकत
को हम जानते हैं कि जहां दरिया समुन्द्र के अंदर गिरता है, इसको इस्चुएरी कहा जाता है। आपको पता है कि जो दरिया का पानी है वो मीठा होता है, और वैसे वो मटियाला और भूरा और ब्राउन कलर का होता है, और निस्बतन वो गर्म होता है, उसकी हरारत ज्यादा होती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो समुन्द्र का पानी है वो वैसे बिल्कुल साफ और निथरा और नीलगू होता है, और ये कि वो जरा निस्बतन ठंडा लेकिन तल्ख और सॉल्टी टेस्ट होता है उसका। तो लिहाजा इन दोनों के अंदर वो शोर वाला जायका होता है, इन दोनों के अंदर हर लिहाज से बहुत फर्क है। लेकिन वो देखने वाले जानते हैं कि जहां दरिया समुन्द्र में गिरता है, एक ट्राइंगुलर सा एरिया, एक पॉइंटेड सा एरिया ऐसा होता है कि दरमियान के अंदर जो है वो दरिया और उसके दाएं बाएं दोनों तरफ समुन्द्र का नीला पानी। ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। बस औकात अगर हम जाते हैं बाय एयर तो ऊपर जहाज से कई दफा ये नज़ारा नजर आते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लिख के देखें तो आपको ये नज़ारा नजर आएगा। और मैं आपको बताऊं कि पानी और लिक्विड्स तो ऐसे होते हैं ना कि आप स्याही अगर एक ग्लास में डालते हैं तो 2 मिनट के बाद वो स्याही जो है वो मिल जाती है और सारा पानी जो है वो एक ही रंगत का हो जाता है। लेकिन ये डिस्टिंक्टली वो ब्राउन और वो नीला पानी डिस्टिंक्टली इट स्टेज देयर, हालांकि कोई बंद, कोई बैरियर और कोई डैम नहीं होता। और मोर देन दैट, इससे बड़ा मोजजा ये है कि जो दरियाई मखलूक है, जो दरियाई प्लांट्स हैं, जो दरियाई मछलियां हैं, वो इस इलाके में रहती हैं, और समुन्द्र की मछलियां और वहां की नबातात उस इलाके में रहती हैं। वहां की मछलियां इधर नहीं आती और इधर की मछलियां उधर नहीं जाती, कोई पर्दा नहीं है। ये मोजज़ा है। और इन मखलूकात को अपने अपने पानी और उसकी हदूद में रहना किसने सिखाया? मेरे रब ने सिखाया। ये अल्लाह है। अल्लाह की सारी मखलूक और उसकी तख्लीक अल्लाह की जात, उसकी सिफात, उसके इख्तियारात की पहचान करती है। और वैसे भी आप याद रखिएगा कि समुद्रों के अंदर भी बहुत दफा ऐसे इलाके हैं कि ऊपर जो है वो ठंडा पानी और नीचे गर्म पानी, हॉट वाटर करंट्स और कोल्ड वाटर करंट्स ऊपर नीचे बह रही होती हैं, लेकिन वो गड़मड़ नहीं होती। ये सब अल्लाह के मौजात और अल्लाह की पहचान है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल के 2 अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ पे ये मिसाल जो है वो महज इसलिए बताई कि देखो, जैसे अल्लाह अगर पानी के 2 जखीरों को मिलने और गडमड होने से, बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट सिफात के हामिल पानी को मिलने और गडमड होने से रोक सकता है, तो फिर तुम भी अपने इर्द गिर्द जो तुम्हारे रिश्ते हैं ससुराल के, नसब के, मेके के और ससुराल के रिश्तों को अपने अपने ताल्लुकात और मामलात के साथ बहुत खूबसूरती से और हुस्ने सलूक से अलग अलग पोजीशंस में अदल के साथ लेके चल सकते हो। अल्लाह हमें इन रिश्तों को एतदाल और अदल और हुस्ने सलूक और हुस्ने अखलाक के साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। उस खुदा को छोड़कर उन लोगों छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और ऊपर से मज़ीद ये काफिर अपने रब के मामले में हर बागी का मददगार बना है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको हमने एक बशर, एक बशीर और एक नज़ीर बनाकर भेजा है। उनसे कह दो इस काम पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब की तरफ आने का रास्ता इख्तियार कर ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। ए बंदो, अपने बंदों के गुनाहों से बस उसका बाखबर होना काफ़ी है। रब्बिग़फिर वारहम वअंता खैरुर राहिमीन। वो जिसने 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को बनाकर रख दिया जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है, फिर आप ही कायनात के तख्ते अर्श, सल्तनत के अर्श पर जलवा फरमा हुआ रहमान, उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। उन लोगों से जब कहा जाता है कि उस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है? क्या बस जिसे तू कहे उसे हम सजदा करते फिरें? ये दावत उनकी नफरत में उल्टा और इजाफा कर देती है। बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें चराग और एक चमकता चांद रोशन किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे।
सूरा रहमान फुरकान की आयत नंबर 63, बहुत खूबसूरत आयत। वाइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे और रहमान के बंदों की सिफात। अल्लाह सुभाना ताला यहां पर खास एक कैटेगरी की सिफात बता रहा है जो रहमान की बंदगी करते हैं। रहमान वो रब है जिसका रहम हदूद और कयूद से बढ़ के है, उसका रहम आम है, वो सबको देता है दुनिया की ज़िंदगी में, क़यामत से पहले, सूर फूंके जाने से पहले, इस दुनिया के इम्तिहान गाह में काफिरों को, फासिकों को, फाजरों को, नमाजियों को, मुत्तकियों को, बेनमाजियों को, सबको नवाजता है, क्योंकि ये इम्तिहान गाह है, ये उसके रहमान के रहम की सिफत है। लेकिन कयामत के दिन वो रहमान नहीं, वो रहीम होगा। उसका रहम मुबालिगे से ज्यादा तो होगा, लेकिन उसका रहम आम नहीं, खास होगा। रहीम रब कयामत के बाद, कयामत के दिन किस पर रहम करेगा? जिन्होंने दुनिया में रहमान रब की नेमतें समेटी, इस्तेमाल की, और फिर किसके बंदे? शैतान के नहीं, रहमान के ओबीडियंट बंदे बन के उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो कयामत के दिन रहीम रब रहमान पर मेहरबान, रहमान के बंदों पर मेहरबान होगा। अल्लाह हमें इबादुर रहमान की आज इन सिफात को पढ़ के अपना मुहासबा करने, उन पर जमने और उनको अपनी ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक अता फरमा। इबादुर रहमान की पहली सिफत क्या है? जो नरम चाल चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं तो नरम चाल चलते हैं। चाल जो है ना, वो इंसान की शख्सियत, उसकी जिस्मानी हालत, उसकी कुव्वत और ताकत का मजहर होता है। आप देखें, बच्चे की और, जवान की और, औरत की और, मर्द की और, बीमार की और, तंदुरुस्त और सेहतमंद की और, लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसकी जो जहन की हालत है, चाल उसकी भी अक्कासी करती है। एक बदमाश जो है ना, एक चोर डाकू उचक्का जो है, उसकी चाल और है, एक फाहिशा औरत की चाल और है, एक नमाजी, एक अल्लाह का फरमा बरदार मुत्तकी परहेजगार, उसकी चाल और है। इन सबको दूर से चलते हुए देखकर इनकी चाल से इनके अखलाक और इनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पर अल्लाह बता रहे हैं कि रहमान बंदे वो हैं जो ज़मीन में नरम चाल चलते हैं, यानी तकब्बुर से नहीं चलते। तकब्बुर से, गरूर से, घुमंड से, फख्र करते हुए, अकड़ते हुए, इतराते हुए जो है वो नहीं चलते। गोया रहमान के बंदों की पहली सिफत, रहमान के बंदों की पहली सिफत उनके नमाजी होना, उनका रोजेदार होना नहीं है। रहमान के बंदे वो हैं जिनकी नमाजों ने उनकी तरबियत करके, नमाजों ने, रकू और सजूद ने उनकी तरबियत करके उनको आजजी सिखा दी है, उनको इनकिसारी सिखा दी है, क्योंकि अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह फरमाता है, किब्रियाई मेरी रिदा है, और जो मुझसे मेरी रिदा छीनने की कोशिश करेगा, मैं उससे इंतकाम लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो शख्स जिसके दिल में राई भर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अलैसा जहन्नमा मस्वलिल मुतकब्बिरीन, क्या जहन्नम मुतकब्बरों के लिए काफ़ी अच्छा सा ठिकाना नहीं है? और ठिकाना होगा कैसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो दुनिया में लोग तकब्बुर करते थे, कयामत के दिन अकड़ के चलते थे, उनको कयामत के दिन छोटी चींटियों की शक्ल में पैदा किया जाएगा, और उनको एक मकाम बॉयलर्स की तरफ जमा करके उनको बॉयलर्स की तरफ हाँका जाएगा। पूछा गया, ये बॉयलर्स क्या जगह होगी? आपने फरमाया, वो जहन्नम का एक बहुत गहरा और नशीबी जगह होगी, जहाँ पे जहन्नमियों का खून और पीप और पसीना जमा हो जाएगा। बड़ा बनते थे, छोटा बना दिया जाएगा। बुलंदियों को छूना चाहते थे, ऊपर उड़ उड़ जाना चाहते थे, उनको पस्तियों में गिरा के जलील और रुस्वा कर दिया जाएगा। बस औका चाल में तकब्बुर होता है, अकड़ के चलते हैं, घुमंड के चलते हैं, और कई दफा अपनी चाल नहीं। अल्लाह कुरान में भी तो फरमाता है ना कि तुम अकड़ के ना चलो, वाला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, तुम अकड़ के ना चलो। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना तुम आसमान की बुलंदी को पहुंच सकते हो, पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो, तो तुम तकब्बुर किस बात का करते हो?
और कई दफा अपनी चाल बिनी सवारी में बैठ के तकब्बुर होता है। एक बड़ी सी लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी में एक शख्स ऐसे तकब्बुर से गुजरता है, पानी जो है वो बारिश का पड़ा हुआ है और पूरे का पूरा पानी जो है वो साथ वाले मोटरसाइकिलिस्ट के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर, जो रिक्शा वाले और साइकिल वाले उनके ऊपर वो पानी गिराता हुआ तकब्बुर से लोगों को हकीर समझता हुआ निकल जाता है, परवाह ही नहीं करता। पता नहीं उस मोटरसाइकिल और साइकिल वाले ने जाके उस दिन कहीं इंटरव्यू देना है किसी जॉब को, और सारे कपड़े जो हैं वो कीचड़ से आलूदा हो गए। अल्लाह हमें आजी से जमने की जिंदगी तो की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए। वो तकब्बुर जो कभी माल का, कभी हकूमत का, कभी ओहदे का, कभी इल्म का, कभी कभी अपनी डिग्री का, कभी अपने हुसन का, कभी अपने औलादों की लियाकत का, कभी अपनी दीनदारी का, कभी इबादत गुजारी का। اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا, اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا رکھنا, واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا, اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے معزز رکھنا, وہ نرم چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کریں وہ جو قرآن حدیث دین کی تعلیمات حدود اور قیود سے بے بہرا ہیں جب وہ ان سے بات کریں تو کیا کرتے ہیں, کیا انہیں کافر کہتے ہیں, کیا انہیں منافق فاسر کے فتوے صادر کرتے ہیں, اور کیا اپنے دینداری اور اپنے دین کے علم کے اوپر تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں؟ نہیں, کہتے ہیں قولو سلاما, نہ بد اخلاقی, نہ بد سلوکی, نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ بحث, نہ تکرار۔ جب جاہل لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قولو سلاما, سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ یہ تو ہیں عباد الرحمان کے دن۔ کیسے گزرتے ہیں ان کے دن؟ ان کے دن عاجزی اور انکساری کی حالت میں گزرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے بندوں کے آگے جھک جھک کے نرمی سے زندگی گزارنے سے گزرتے ہیں, اور کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہیں, بدگوئی نہیں, حسن اخلاق, حسن سلوک اور حسن معاملات کے ساتھ ان کے دن گزرتے ہیں۔ اس کے باوجود راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے, اس کا عذاب تو جان کو چمٹ جانے والا ہے, وہ تو بڑا ہی برا مقام اور مستقر ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں اور اسی جہنم کے خوف سے, وہ ایک صحابی تھے نا, تو رات کو وہ باپ اور بیٹا دونوں سوئے ہوئے تھے اور بیٹا کروٹیں بدل رہا تھا, تو والد نے پوچھا کیا بات ہے, بے خوابی کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا, ابا جان مجھے جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی۔ تو یہ عباد الرحمان ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ بیدار کر دیتی ہے, اس کا خوف بیدار کر دیتے اور جنت کی خوشبوئیں انہیں جگا دیتی ہیں۔ وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوتا ہے آسمان دنیا پر خاط پھیلا کے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ دہرا لیجئے, ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے جو کوئی مجھ سے حاجت بیان کرے اور میں اس کی جھولی بھر دوں؟ ہے جو کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں؟ تو عباد الرحمان اس وقت اٹھ کے جہنم سے نجات کی دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی, ہم نے پڑھا تھا نا, تم اسراف نہ کرو, اور پھر کیا نہ کرو؟ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین قانو اخوان الشیاطین, اسراف کرو گے تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے, تبذیر کرو گے تو پھر اس سے بڑھ کے کیا ہے, تم شیطان کے بھائی بند بن جاؤ گے۔ تو ویسٹ فل طریقہ بھی نہیں کرتے, اور پھر کیا نہیں کرتے؟ نہ بخل کرتے ہیں۔ خیر الاموری اوسطیہ, بہترین معاملات وہ ہیں جن میں میانہ روی ہے, درمیانہ۔ ایکسٹریمزم اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, اور نہ ہی دین کے اندر کسی قسم کا تشدد اور فناٹسزم ہے۔ فضول خرچی بھی نہیں کرتے, بخل بھی نہیں کرتے, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے۔ کچھ کو قتل کرنا شرعی طور پر جن کو جائز ہے, جن جانوں کو قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص میں قتل, شادی شدہ زانی کو رجم اور سنگسار سے قتل, اسی طرح مرتد جو ہے وہ بس اوقات واجب القتل ہے, یا جھوٹے دایان نبوت جو ہیں وہ واجب القتل ہیں, اور یا پھر میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سارے قتل کی اجازت ہے, یہ ایک فرد, ایک جرگا یا سردار نہیں, یہ باقاعدہ عدلیہ کی سطح پر ان کے فیصلے ہونے ضروری ہیں۔ اور کسی جان کو ہلاک نہیں کرتے, اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔
इबादुर रहमान अल्लाह से डरने वाले क्या नहीं करते, वला यजनून वो जिना नहीं करते। क्यों? वमन यफल दालिका यल्की असामा, कि जो ये जिना का काम करेगा वो गुनाह का बदला पाएगा और कयामत के रोज उसको मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब रिपीटेड अजाब दिया जाएगा और वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा। क़यामत के दिन जानी की सज़ा क्या देखी थी? शबे मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग देखे थे ना, कि जिनके सामने एक थाली में साफ सुथरा गोश्त था और दूसरी थाली में गंदा गला सड़ा बदबूदार कंटेमिनेटेड रॉटेड गोश्त था, और वो साफ गोश्त को छोड़कर गंदा बदबूदार गोश्त खा रहे थे। बताया गया था ये वो था जिनके रिश्ता अजवाज में निकाह में अजवाज थे और अपने जायज और हलाल अजवाज को छोड़ के वो जिना का इर्तिकाब करते थे, तो उनको मैदान हशर में ये सजा दी जाएगी। और हमें हदीस में पता चलता है कि जहन्नुम में जो जानी होंगे उनको नंगे बदनों तनूर के अंदर तापा और दहकते हुए तनूर में जलाया जाएगा। जिना के हवाले से अल्लाह ने फरमाया कि तुम जिना ना करो, ये कुरान का ला है, और अल्लाह ने फरमाया कि वो अपना बदला कयामत के दिन पाएगा। याद रखिएगा, जिना सिर्फ शर्म गाहों का मिलाप नहीं है। जिना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इंसान अपने तमाम हवास के साथ जिना करता है। लगावट के साथ देखना आंखों का जिना है, मोहब्बत से बात करना जबान का जिना है, शौक से सुनना कानों का जिना है, छूना हाथ का जिना है, और चल के जाना पाँव का जिना है। फिर शर्मगाहें इसकी तकमील कर देती हैं या तकमील से रुक जाती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने जिना के सारे जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जो मुतहर्रिक फैक्टर्स हैं, उनको रोक दिया और उनको बंद कर दिया। देखना निगाहों का जिना है। हर किस्म की बेहयाई फहाशी के मनाजिर, ये फिल्में, ये टीवी, ये ड्रामे, कुछ ऐसी तस्वीरें, आज ये कद्दे आदम, जो कितने बड़े कद्दे आदम साइन के साइन बोर्ड्स हैं, और फिर अपने इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में ऑपोजिट सेक्स को देखना और निगाहों को उससे फ़ायदा उठाना, ये सब क्या है? ये निगाहों का जिना है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इसीलिए फरमाया, क्या करें, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों में से कुछ निगाहों को जिनमें आवारगी है, जो किसी ऐसे मंजर, किसी ऐसे नज़ारे पर तुम्हारी निगाह पड़ती है, जिस्म के हिस्से पर तुम्हारी निगाह पड़ती है जो तुम्हारे लिए देखना जायज़ नहीं, उन निगाहों को झुका लो। ये निगाह तो इबलीस के जहरीले तीरों में से है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को इसीलिए फरमाया था ना, लकल ऊला व लैसा लकल उखरा, तेरे लिए पहली निगाह तो जायज़ है लेकिन उसके बाद दूसरी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब किसी के हुसन पर निगाह पड़ती है और मोमिन अपनी निगाह को झुका लेता है, तो अल्लाह उसको ईमान की हलावत देता है, उसकी इबादत में चाशनी और हुसन अता फरमाता है। आज इबादत के अंदर ना मिठास है, ना चाशनी है, ना खुशू है, ना खुजू है, ना हलावत है। ये निगाहें आवारा और आज़ाद निगाहें ही तो हैं जो निगाहों का जिना करती फिरती हैं। फिर सुनना हर किस्म की ये मौसीकी और बेहयाई के ये गाने, और फिर एक दूसरे के साथ वो फ्रैंक किस्म की गुफ्तगू, ये मोबाइल्स, ये फेस टाइम्स, ये वीडियो टाइम्स, ये सारी कॉन्वर्सेशंस जो हैं, ये क्या है? ये जबान और कान का जिना ही तो है। जायज अजवाज और हलाल अजवाज होने के बावजूद इस किस्म के नामहरम रिश्तों के साथ बेतकल्लुफी की गुफ्तगू, ये जबान और कान का जिना है। ये सारे के सारे मुतहर्रिक फैक्टर्स हैं जो शरीयत रोक भी देती है। बोलने के अंदाज में अल्लाह सुबहाना ताला खवातीन को कहता है कि तुम नामहरमों से बात करो तो कुलू कौलन सदीदा, सीधी क्लियर कट दो टोक अंदाज होगा, लबो लहजा होगा, टॉपिक होगा, कोई फालतू बात नहीं होगी, कोई लूजदार अंदाज नहीं होगा, कोई गुफ्तगू के अंदर झोल नहीं होगा, और ना महरम के साथ गुफ्तगू इसके बियॉन्ड नहीं होगी, ना मर्द की औरत के साथ, ना औरत की मर्द के साथ। ये जबान का जिना है, ये कान का जिना है, और मेरे माशरे में ये आम है, इसीलिए तो जिना इतना आम होता चला जा रहा है। और फिर छूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज स्कूलों में, कॉलेजेस में, कैंटीन्स में, कैफेटेरियाज में लड़कियां लड़के हाथ मिलाते हैं, और किस कदर अजीब सा जिस्मानी कुर्ब जो है वो खुलेआम नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा जिस्म किसी नामहरम से छू जाए इससे बेहतर है कि कीचड़ से लिथड़े हुए खंजीर से जा टकराए। आउट ऑफ द टू इट इज अ बेटर प्रोपोजिशन एंड मामला कि तू कीचड़ से लिथड़े हुए खंजीर से जा टकराए।
तो ये वो सारे जिना के मुतहर्रिक ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसको अल्लाह सुबहाना ताला ने रोक दिया। अल्लाह सुबहाना ताला हमारी हमारी जुरियतों हमारी नस्लों के ईमान दीन हया इस्मत आबरू निगाह हाथ पांव और कान की हिफाजत फरमाना। अल्लाह सुबहाना ताला ने आगे फरमाया कि अगली अगली हालत क्या है कि जिना के बाद इल्ला ये कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर ले और ईमान ला के अमले सवाले करे, ऐसे लोगों की बुराई को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, वो बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स तौबा करके नेक अमली इख्तियार करेगा वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसा कि पलटने का हक है। और ईमान के बंदों की अगली सिफत क्या है, ला यशहदून ज़ूर, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपको कल सुनाई थी ना कि आपने तीन कबीरा गुनाह की फहरिस्त में फरमाया था, अशराक को बिल्ला अल्लाह के साथ शरीक करना, वालदेन की नाफरमानी करना, कौल अज़ूर कौल अज़ूर शहादत अज़ूर, और आप उठ के बैठ गए थे अलर्ट होके। तो झूठ की गवाह नहीं बनते, ना कोई झूठ बोलते हैं ना झूठ की गवाही देते हैं, ना झूठों को हेल्प करते हैं सपोर्ट करते हैं प्रमोट करते हैं और ना उनकी मुआवनत करते हैं और ना सच्चों को निगेट और अपोज करते हैं। अगली सिफ्त क्या है, वाइजा मर्रू बिल्लगवी मर्रू करामा, जब लगवियात पर उनका गुजर होता है तो इज्जत और शराफत से गुजर जाते। जिंदगी है, लगवियात तो आएंगी, लगवियात तो दे माइट कम अक्रॉस लगवियात। और कल भी हमने मोमिनों की सिफ्त पढ़ी थी ना कि वो क्या करते हैं, वो आरिज अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज करते हैं। और हमने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं कि वो अनिल लगव मोरिजून, हर लगव से मोर एराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बनते। लगवियात क्या थी, बेकार ला यानी नॉन प्रोडक्टिव यूजलेस चीजें जिनका कोई फायदा ही नहीं, मोमन ला यानी चीजें। मोमिन की जिंदगी इम्तिहान गा, उसने अल्लाह के हक देने हैं, अल्लाह के बंदों के हक देने हैं। इस इम्तिहान गा में क्या वो लगमियात के अंदर इन्वॉल्व होके अपना वक्त अपना सलाहियतें अपने माल उठा सकता है, जिसको उसने जन्नत के हसूल और रब को राजी करने के लिए लगानी है जो चीजें, वो क्या लगवियात के अंदर उलझा के रख देगा। अरे जिंदगी इम्तिहान गा है, जिंदगी इम्तिहान गा है। मुझे बताएं क्या आपने इम्तिहान गा में और एग्जामिनेशन हॉल में जाहिल से जाहिल और अनपढ़ से अनपढ़ और नलायक से नलायक शागिर्द को कभी लगवियात में इंडल्ज होते हुए देखा? कोई शागिर्द जो बिल्कुल पर्चे के सवालों के जवाब नहीं भी जानता ना, और बिल्कुल बिल्कुल नालायक शागिर्द है, वो भी इम्तिहान गाह की एक प्रोटोकॉल को मेंटेन करता है। आपने कभी किसी एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं देखा होगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो पेपर हॉल के अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कानों में लूप्स लगा के म्यूजिक सुनने लग पड़े, या वो अपने पर्चे के ऊपर पर्चा हल करने के बजाय अपने कपड़े जो उसने फैब्रिक्स रखे हुए उनकी डिजाइनिंग करने लग पड़े, उनकी स्केचिंग करने लग पड़े, या साथ वाले या पिछली वाली कुर्सी की जो बैठा हुआ स्टूडेंट या कोई सहेली उसकी बैठी भी उसको पिछले दिन के ड्रामे की किस्त और सीरियल की स्टोरी उससे सुनने या सुनाने लग पड़े। कोई नालायक से नालायक शागिर्द जो है वो दुनिया की इम्तिहान गाह में, अरे ये दुनिया का एक पर्चा अगर फेल भी हो गया तो क्या होगा, रीटेक हो जाएगा, सप्ली हो जाएगी, वो सबसे बड़े इम्तिहान गाह में। नहीं, नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होता जिसको पता है कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला का एहसास है, वो क्या करते हैं, वो लगवियात अगर आती हैं तो उस गंदगी के अंदर उलझते नहीं है। अरे कूड़े के ढेर के पास से मैं और आप गुजरते हैं तो अपनी आंख बचा के क्या उसको देखते हैं, घूरते हैं या उसको उसको उछालते हैं? नहीं, अपना नाक बंद करके आंखें बंद करके अपने कपड़े लपेट के हम गुजर जाते हैं ना कूड़ेदान के पास से। तो यही मोमिन है, जिंदगी की गंदगियां बेकार बेसूद ला यानी मनफी चीजों के पास से क्या करते हैं, बिल्लगवे मोरिजून या मर्रूक करामा का तरीका इख्तियार करते हैं, ये इबादुर रहमान है। और फिर जिन्हें अगर उनके रब की आयात सुना के नसीहत की जाती है तो आयात पर अंधे और बहरे बन के नहीं रह जाते और फिर दुआएं मांगते हैं। इबादुर रहमान है ना, आपको पता है ना कि रहमान रब वो है, रहीम वो है जो दुआएं मांगने से खुश होता है, और रहमान वो है जो ना मांगने से इनकार नाराज हो जाता है। तो इसलिए इबादुर रहमान है ना कसरत से दुआएं मांगते हैं। पीछे उन्होंने दुआ की बड़ी प्यारी दुआ, रब्बना सिर्फ अन्ना अजाबा जहन्नुम, और फिर अगली दुआ है, कितनी प्यारी दुआ, ये भी अपनी दुआओं में रख लीजिएगा,
और मैं आपको अपना ज़ाती चीज़ जो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो तीन दुआएं हैं जो मैं अपने सलाम से पहले ज़रूर ही रब्बाना आतना के बाद पढ़ती हूं। एक रबी जालनी और रब्बाना आतना के बाद ये तीन दुआएं मैं ज़रूर ही पढ़ती हूं। बस औकात और भी ऐड करती हूं, एक तो रब्बिरहम हुमाकमा रब्बा यानी सगीरा, दूसरी रब्बी हबली मिल्ला दुनका ज़ुर्रियतन तोय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, और तीसरी ये वाली दुआ रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रता आयुनिन व जअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 है। तो गोया वालिदैन के लिए भी और औलाद के लिए भी और अज़्वाज के लिए भी और अपने मुत्तकी होने की ये दुआ। और फिर आप ये देखिए कि इबादुर रहमान वो हैं जो सिर्फ अपने लिए दुआएं नहीं करते, अपने अहले खाना के लिए, अपने अजवाज के लिए और अपनी औलादों के लिए भी दुआ करते हैं। और अपने लिए क्या मांगते हैं? तकवा का हसूल मांगते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने सबर का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे। आदब और तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा, वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तकर और वो मकाम। रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। कल हमने सूरा मोमिनून में मोमिनों की सिफात पढ़ी जो जन्नत के जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, और आज हमने सूरा फुरकान में इबादुर रहमान की सिफात पढ़ी। इन सिफात को ना लिखते जाइए और फिर लिखने के बाद अपना कंपैरिजन और मुहासबा कर लीजिए, साथ साथ टिक करते जाइए और टोटल सिफात में से अपनी स्कोरिंग कर लीजिएगा। अगर फुल नंबर आए, 100% स्कोरिंग हुई, स्ट्रेट ए प्लस आ गया, तो बस अल्लाह से साबित कदमी की दुआ, रब्बाना सबित अकदामना। और अगर स्कोरिंग अच्छी नहीं है तो फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लीजिए, तौबा कर लीजिए और इस्लाह की तरफ जम जाइए। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर इस्म रब्बिही फ़सल्ला। फला वही पाता है जो अपना तज़किया करता है और फिर अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ता है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अत्तव्वाबीना व जअलनी मिन अल-मुततहिरीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी अगर तुम उसको ना पुकारो, आपके तुमने झुटला दिया है, अनकरीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी भी महाल हो जाएगी। अल्लाह सुबहाना ताला हमें कयामत के दिन की सख्तियों से बचा लेना, उस यौमुन उसर की मुश्किलात से बचा लेना। अल्लाह सुबहाना ताला हम सबको आसान हिसाब और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों की सफ़ में शामिल फरमा देना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अश्शुरा मक्की सूरत, 11 रकुआत और 227 आयात पर मुश्तमिल, ये तरतीब के एतबार से 26वें नंबर पर आने वाली सूरत है। और अगर हम देखें तो आयत नंबर 224 में अल्लाह सुबहाना ताला ने शायरों, शौरा शायर की जमा है, उनका तज़करा किया, तो इस हवाले से इसका नाम सूरा अश्शुरा। और अक्सर मुफस्सरीन इस बात का हवाला देते हैं कि यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन के कबूल इस्लाम से पहले तीन सूरतें, सूरा तौहा, सूरा वाक़िया और सूरा अश्शुरा नाजिल हो चुकी थी। गोया ये जो दूसरा दौर है मदी मक्का का, उसके बिल्कुल आगाज़ में, मुतवस्सत दौर के आगाज़ में नाजिल होने वाली सूरत है। और इसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने बुनियादी तौर पर वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को मानने से इनकार कर रहे थे ना, उनको झंझोड़ा गया और उनको बताया गया कि जो जो वो इतराज़ और नुक्ता चीनियाँ करते थे उनका जवाब दिया गया और दो टोक तरीके से समझा दिया गया। वाकयात पिछली कौमों के जिन्होंने अपने अल्लाह और अपने नबी की तालीमात को नहीं माना था, वो 5,000 रसीदा बस्तियों के वाकयात सुना के कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने नबियों की तालीमात को ना माना था और ना नबियों को माना था और ईमान लाए थे, तो उनका क्या अंजाम हुआ। मुश्किन मक्का को उनका किस्सा सुना के उनको झंझोड़ा गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की तरफ माइल किया गया, और साथ ही उन किस्सों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथियों को तसल्ली भी दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताब मुबीन, क्लियर कट, दो टोक वाज़े अहकामात और बातें समझ आ जाने वाली किताब है। शायद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इस गम में अपनी जान खो दो कि ये लोग ईमान नहीं लाते। बारहा कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम और दुख और परेशानी का पैमाना ये बताया जा रहा है कि आपका गालिब गम और दुख और परेशानी थी ही ये कि मेरी कौम के लोग, मेरे कबीले के लोग अल्लाह को और अल्लाह की क्यों नहीं मान रहे, कुरान को और कुरान की क्यों नहीं मान रहे, आखरत का फिक्र और तैयारी करने से गाफिल क्यों है। क्या मेरा और आपका गमों का ये पैमाना है? क्या हमें माशरे की नहीं तो कम अज़ कम अपने अहले खाना की, आखरत की और ईमान की फिक्र है? अल्लाह हमें बड़े मकासद से आशना कर दे। अल्लाह हमारे गमों और खुशियों और मोहब्बतों और दुखों के पैमानों को बदल दे। अल्लाह हमारी तरजीहात को बदल दे और अल्लाह हमें अपनों और अपने प्यारों का फिक्र आखरत सबको अता फरमा दे। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो भी नसीहत आती है ये सब मुंह मोड़ लेते हैं। पीछे इबादुर रहमान की सिफत है और आगे इबादुर रहमान ना बनने वालों का अंजाम। अब ये झुटला चुके हैं ना, अनकरीब उनको उस चीज़ की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते हैं। और क्या उन्होंने कभी ज़मीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मकदार में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की हैं? यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें अक्सर मानने वाले नहीं। और दर हकीकत तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। रब इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अब यहाँ पर आएगा। कुछ किस्सा हमने सूरह तौहा में पढ़ा था और किस्से का कुछ हिस्सा सूरह बकरा में भी वजाहत से आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि चार पार्ट्स हैं, उसमें से कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, कुछ की वजाहत हम आज देखेंगे। उन्हें उस वक्त का जो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं मैं वजाहत आज नहीं करूंगी, विल जस्ट रीड थ्रू इट। उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब तुम्हारे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था जालिम कौम के पास जाइए। कब था? जब वापस आ रहे थे और वहां पे उनको नबूवत मिली थी फिरौन के पास। क्या वो डरते नहीं है? उसने अर्ज की, ऐ मेरे रब मुझे खौफ है कि वो मुझे झुटला देंगे, मेरा सीना घुटता है, मेरी जबान नहीं चलती। और इसके लिए दुआ क्या की थी? रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक्ततम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली वज़अल्ली वज़ीरन मिन अहली। और फिर मेरी जबान नहीं चलती, आप हारून की तरफ रिसालत भेज दें कि मतलब मेरी बजाय उनको दे दें, मुझे उन पर उनके यहाँ एक जुर्म भी है, इल्ज़ाम भी है, और इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। कत्ल करके आए थे ना एक शख्स को, तो ये उन्होंने बात की। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियाँ लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने कहा, अब फिरौन के दरबार में आ रहे। कुरान का यह तरीका है कि सारे किस्से की बारीकी से बात नहीं आती, जो मोटा मोटा किस्सा और जो इंसिडेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना उसको अल्लाह कुरान में नरेट करता है ताकि कॉन्टिन्यूअल किस्सा और वाक्या बन जाए। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था, यानी मेरे महल में नहीं तू बच्चा बना, पल बढ़ के बड़ा हुआ? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और इसके बाद कर गया जो तू कुछ कर गया, यानी कत्ल कर गया। बड़ा ही एहसान फरामोश आदमी है। मूसा ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने नादानिस्तगी में किया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया था, इसके बाद मेरे रब ने मुझे हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमाया। रहा तेरा एहसान, तो तूने जो मुझ पर जिताया है उसकी हकीकत तो यह है कि तू बनी इसराइल को तूने गुलाम बना लिया था। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीन का रब और उन सब चीजों का रब जो जमीन और आसमान के दरमियान है अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फिरौन ने अपने गिर्दो पेश के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद का भी रब जो पहले गुजर चुके हैं। फिरौन ने हाजरीन से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं ये तो बिल्कुल पागल ही मालूम होते हैं। नबियों पर मजनू होने का इल्ज़ाम बहुत कसरत से लगा, आज भी जब नबियों की अतात और पैरवी करते हैं और सुन्नतों की पैरवी की जाती है तो लोग यही कहते हैं, ये तो कोई पागल हो गई है, इसकी तो कोई मत मारी गई है। याद रखिएगा, अगर ऐसे जुमले सुनने पड़े तो इन कड़वे कसैले जुमलों से दिल बर्दाश्ता नहीं होना,
ये सुन्नत अंबिया है। अल्लाह हमें इस्तकामत दे और अजर अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशरिक और मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है सब का रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तू मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी मैं उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, अगरचे मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरी चीज भी, यानी मैं मौजा दिखा लूं। फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ अगर तू सच्चा। उसकी जबान से ये बात निकलते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और यकायक वो सरी अजदहा बन गया। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। ये वो दो मौजात थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। फिरौन अपने गिर्दो पेश के सरदारों से बोला, ये शख्स तो यकीनन एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें अपने मुल्क से निकालते। अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो। असल में ये याद रखिए कि जिसको जो चीज़ दुनिया में महबूब होती है ना, इनसिक्योर, वो उसी चीज़ के बारे में होता है। फिरौन की सबसे महबूब चीज़ क्या थी? उसकी हुकूमत, उसका ओहदा, इक्तदार। हाँ, तो वो इसके बारे में फौरन ही इनसिक्योर हो गया। उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हर कारे भेज दीजिए कि हर से आने जादूगर को आपके पास ले आए। ये वही है ना जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सारे रिसोर्सेज और माल और नफरी और सारे का सारा काम जो है वो फिरौन का लग गया था, और त्यौहार के दिन और जो कौमी फेस्टिवल का दिन था उसमें बात किसकी पहुंच गई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म से पहुंच गई थी। चुनाचे एक रोज मुकर्रा वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और दोनों ने कहा, तुम इज्तमा में चलो, शायद कि हम जादूगरों के दीन ही पर रहें और अगर वो गालिब रहें। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा ना अगर गालिब हुए। अभी तो दुनियादार थे ना, तब दुनिया का ईमान चाह रहे, इनाम चाह रहे थे। उसने कहा, हाँ, और तुम्हें उस वक्त मुकर्रबीन में, यानी मैं तुम्हें दरबारियों में शामिल कर लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने फौरन अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल से। अभी तो फिरौन की हकूमत को मानते थे ना, उससे डरते और खौफजदा होते थे, हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो यक्कायक वो उनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला गया। इस पर सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और बोल उठे, क्या बोल उठे, आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बी मूसा व हारून। असल में जादूगर पता है क्यों ईमान ले आए थे? क्योंकि इनको ना जादू की और मैजिक की असल हकीकत का पता था। मैजिक तो सारे का सारा वो निगाह बंदी और ट्रिक के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब जब इन्होंने वाकई वो एक लाठी को अजदहा बनता हुआ देखा तो इनको ये हकीकत समझ में आ गई थी कि ये जादूगर नहीं है, ये कोई जादू या ट्रिक नहीं है, ये हकीकी मौजा है। फिरौन ने कहा, तू मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? जरूर ये तुम्हारा ही बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, पहले खुद ही बुलाया था, अब कहने लगा तुम एक थाली के चट्टे बट्टे हो, सियासतदान है ना, ये अपनी काया बड़ी जल्दी पलटता है। अच्छा, अभी तुम्हें मालूम हुआ जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा और तुम सबको सूरी चढ़ा दूंगा। उसने जवाब दिया, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हजूर पहुंच जाएंगे और हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए। मैंने कल भी बताया था इनकी तो दिनों की दुनिया बदल गई थी, खौफ और गम और परेशानी और फिक्रों और मोहब्बतों के सारे पैमाने उधड़ के रह गए थे। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जा, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। ये जनाब, अब जब अल्लाह की मदद आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम उस त्यौहार के दिन इतने लोगों तक पहुंच गया अल्लाह के करम और फजल से, हज़रत मूसा जाते तो कभी भी खुद इतनी दावत ना पहुंचा सकते। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल की एक कसीर तादाद ईमान लाई और ये लोग जो हैं ये मुसलमान हुए और दायरा दीन में दाखिल होने लगे। अब जब बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई तो अल्लाह सुबहाना ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ये हुक्म दिया और उधर फिरौन और फिरौन के जो आयान संतलन और जो किप्ती हाकिम कौम है इनको जब दावत दी जा रही थी तो ये मानने से इनकार कर रहे थे। तो फिर जब एक कसीर तादाद ग़ुलाम बनी इसराइल कौम की ईमान ले आई तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आज ही रातों रात मिस्र से हिजरत करके निकल जाएं। और मैं आपको बताऊं कि जब हिजरत का हुक्म दिया गया था तो फिर इसको कुछ शराइत के साथ पाबंद किया गया था। नंबर वन, अल्लाह ने कहा था कि एक तो टोटल
ये जो हिजरत का सारा अमल है इसको मुकम्मल सीगाए राज में और सीक्रेसी में रखा जाएगा। और इसकी वजह ऑब्वियस थी कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इसलिए इसको राज में रखने का कहा था कि बिल्कुल पोशीदा तरीके से एक से दूसरे तक खबर दो और किसी को भिनक भी ना पड़े तुम्हारी हिजरत की, क्योंकि ये गुलाम कौम थी। और जाहिर है अगर मालिकों को और आकाओं को पता चल जाता और हाकिमों को पता चल जाता कि इनकी लौंडी गुलाम कौम निकल के जा रही है, तो वो तो उनको कभी ना निकल के जाने देते। तो इसलिए चुपके चुपके पोशीदा तौर पर मुकम्मल सीक्रेसी से निकलने का हुक्म दिया गया। अब ये कौम जो वैसे तो अल्लाह की नाफरमान रही थी, इसीलिए गुलाम बनाई गई थी किप्तियों की, अब जब इस कौम ने ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अताअत कर ली, और इस नाजुक मरहले पर इन्होंने मुकम्मल अताअत की और टोटल ओबीडियंस की, हमें पता चलता है कि इतनी डिसिप्लिन, इतने नज्म व ज़ब्त और इतनी सीक्रेसी के साथ ये हिजरत करके ग्रो निकला कि वाकयतन किप्ती कौम को रात को कानों कान खबर नहीं हुई थी। आप देखें तो सही ना, उस दौर में कोई हमारी तरह के आज के दौर के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और ये सारा कुछ तो नहीं था कि क्लिक से सारे के सारे ईमान लाने वालों को मैसेज दे दिया जाता कि हमने 11 बजे वॉकआउट कर जाना है। नहीं, उस वक्त सारों को बताना, फिर सारों को ऑर्गेनाइज करना, डिसिप्लिन करना, ये बहुत मुश्किल बात थी। लेकिन उन्होंने ये मुश्किल काम किया। मत याद रखिएगा कि जब कोई कौम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करती है, अल्लाह के वादों पर तवक्कुल करके जम और डट जाती है ना, तो फिर क्या होता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों की मदद जरूर करता है। और जब मदद करता है तो कभी हवाओं से, कभी बादलों से, कभी पानी से, कभी समुंदर से, कभी मिट्टी से, कभी पहाड़ों से करता है, और वो सुपर नेचुरल तरीकों से मुआवनत करता है। ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने पहले ही बताया था कि रातों रात निकलना, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करके शहरों में नकीब भेज दी और कहला भेजा, ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इन्होंने हमें बहुत नाराज किया है, और हम एक ऐसी जमात है जिसका शेवा हर वक्त चुकन्ने रहना है, मतलब हम इतने अलर्ट थे हमारी आंखों में धूल डाल के ये निकल कैसे गए। इसी तरह हम उनके बागों और चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन क्याम गाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने उन सब चीजों का वारिस बना दिया। सुबह होते ही लोग उनके ताकुब में चल पड़े, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका गिरोह जो है ये तो रात को चले थे, अब जब फिरौनियों को और सुबह पता चला कि हमारी तो गुलाम कौम ही यहां से निकल गई है, तो फिर वो सुबह मॉर्निंग में ताकुब में निकले। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी चीख उठे, हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। अल्लाह ने हजरत मूसा ने फरमाया, इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है। साबिर को जब ये पता हो ना, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और उसको तवक्कुल हो कि मेरा रब रहनुमाई करेगा और मुझे गाइड करेगा और मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, तो याद रखिएगा रब बंदे के गुमान से बढ़ के करता है, और तवक्कुल करने वालों और सब्र करने वाले अपने महबूब बंदों को तो अल्लाह छोड़ता ही नहीं है। अब क्या हुआ, और वैसे भी अल्लाह बंदे के गुमान से बढ़ के मामला करता है, ये बिल्कुल वही कैफियत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यार गार के साथ गार में हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने भी ये कहा था कि अब हम पकड़े गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अम्बिया की सुन्नत, अम्बिया के रवैये, अम्बिया का तवक्कुल और सब्र हर रुदाद में यकसा नज़र आता है। अब जब अल्लाह सुबहाना ताला ने इनकी मदद की तो क्या हुआ, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए हुक्म दिया, मार अपना असा समुंदर पर, यकायक समुंदर फट गया। अब जरा यहां रुककर देखें सिचुएशन क्या थी, रातों रात ये भागकर आए थे, और जब पीछे से इनका ताकुब करके फिरौन का लश्कर और फिरौन की फौज पहुंचे, तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो हैं वो बिल्कुल दरिया और समुंदर के किनारे पर पहुंचे थे। अब आगे समुंदर है और पीछे दुश्मन है, इतना बड़ा फौजी लश्कर ताकुब के लिए, खून का प्यासा वो भूखे दरिंदे पीछे हैं और अपने दांत तेज कर रहे हैं, और आगे समुंदर है। अब कहां जाएं, ना भागने से बन रहा है ना पीछे जा सक रहे। उस वक्त अल्लाह ने हुक्म कहा कि समुंदर के इस साखिल के ऊपर अपनी लाठी या वो मोजाना असा मारो। जरा रुक के देखें, क्या ये मसले का हल लग रहा है, क्या ये मसले का हल लग रहा है,
और क्या ये काम करना उस वक्त जब इतनी बड़ी फौज, खून की प्यासी फौज पीछे पड़ी हुई और आगे समुंदर है? यहाँ पर तो और डिफरेंट कितनी सॉल्यूशंस नजर आ रही हैं। या तो मैं साहिले समुंदर के साथ तेजी से भाग के फरार होने की कोशिश करूं, या मैं समुंदर में कूद के तैराकी के जरिए अपने बचाने की कोशिश करूं, कुछ नहीं तो पलट के अपनी छोटी सी कोशिश करके दुश्मन के साथ लड़के अपने आप को बचाने की कोशिश करूं, या हथियार फेंक के कॉम्प्रोमाइज करके मुसालेखत करके बचाने की कोशिश करूं, सौदा करूं अपनी आजादी का। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है कि यहां खड़े रहो और दरिया के समुद्र के किनारे के ऊपर असा मारो। ये तो प्रैक्टिकली मसले का हल नहीं लग रहा और बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन वही बात जो हजरत मरियम के साथ हुई, वही बात जो पीछे उम्मे मूसा के साथ हुई, वही बात यहां पर, जब अल्लाह अपने वही और हुक्म में कोई मसले का हल तजवीज करता है तो चाहे वो मुश्किल लगे, चाहे आसान लगे, चाहे वो प्रैक्टिकल लगे या हमारी इल्मी कमी की वजह से अनप्रैक्टिकल और इर्रेशनल लगे, वो शख्स जो उसको सब्र और तवक्कुल करके उस पर उसको अपना लेता है, वो ना नाकाम होता है ना बर्बाद होता है, और अल्लाह की मदद भी और अल्लाह की तरफ से अजर सब उसके शामिल हाल को जाता है। यही हुआ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वही की अतात करके सबर और तवक्कुल करके असा को समुंदर पर मारा तो समुंदर फट गया। ये है मेरा अल्लाह और ये है इन्नल्लाह मा साबरीन। अल्लाह मा फौकुल फितरत और सुपर नेचुरल तरीके से साबरों की मदद करता है। समुंदर फट गया, एक पहाड़ की तरह तोदा समुंदर की लहरों का एक तरफ और एक पहाड़ की तरह दूसरी तरफ, और दरमियान में रास्ता उसका एक टुकड़ा अजीमुशान पहाड़ की तरह हो गया। उस जगह हम दूसरे गिरोह को भी करीब ले आए और मूसा अलैहिस्सलाम उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरे को गर्क कर दिया। इस वाक्य में एक निशानी है मगर इनमें अक्सर लोग मानने वाले नहीं। दर हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम। तो लिहाजा यहां पर अगर आप देख लीजिए, और हमें एक और हम कुरान में पढ़ेंगे आयत तो वहां पे हमें पता चलेगा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्रॉस करके साहिल समुंदर के परले किनारे पे उस रोड पे से क्रॉस कर गए थे तो एक ऑटोमेटिक सी नेचुरल इंस्टिंक्ट थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि अब मैं दूसरे किनारे के ऊपर अपना असा मारूं ताकि ये समुंदर मिल जाए। वो जो कहते हैं ना, खुल जा समसम और बंद हो जा समसम, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। लेकिन उस मौके पर भी अल्लाह सुभाना ताला ने कहा था कि तू अपने असा को ना मार, वत्रकल बहर रहवा, और इस समुंदर के अंदर खुला रास्ता छोड़ दे। अब इस वक्त ये भी प्रैक्टिकल हल नहीं लग रहा था और बिल्कुल मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस पर भी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की अतात करके तवक्कुल कर लिया था तो फिर क्या हुआ था? अल्लाह हकीम जानता था ना कि जब फिरौन का लश्कर वहां से पार्ट समुंदर जो पार्ट हो गया था उसमें से जब गुजरेगा तो अल्लाह के हुक्म से वो दरिया मिल जाएगा और आंखों के सामने गरकाब हो जाएंगे। अल्लाह के अहकामात की अतात करने वालों और कुरान के तजवीज करदा मसाइल का हल अपनाने वाले कभी ना दुनिया में नाकाम और ना बर्बाद होते हैं और ना आखरत में। उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था ये क्या चीजें हैं जिन्हें तुम पूछते हो? उन्होंने जवाब दिया तो कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा में, सेवा का मतलब होता है खिदमत में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारो? अल्लाह तो समी है ना, या तुम्हें कुछ नफा नुकसान देते हैं? अल्लाह फायदा नुकसान देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हमने तो बाप दादा को ही ऐसा करते पाया। उस पर इब्राहिम ने कहा कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा भी है जिनकी तुम बंदगी तुम और तुम्हारे बाप दादा करते रहे हो? मेरे तो ये सब दुश्मन है बजुज एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करता है और वही मुझे खिलाता पिलाता है। वा इजा मरस्तु फहुवा यशफीनी, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। खलीलुल्लाह को अल्लाह के शाफी होने पर ईमान भी था, यकीन भी था। यकीन तो मुझे और आपको भी है, अल्लाह तू शाफी है, अल्लाह शाफी है, ऐ शाफी बीमारों के लिए काफी हो जा। अल्लाह इस महफिल को सुनने वालों को जो जो खुद या उनके अहले खाना जिनको जो जो बीमारी है, बड़ी है छोटी है, जिसकी तशखीस हो गई जिसकी तशखीस नहीं हुई, अल्लाह सब बीमारों को ऐसी शिफाया जिला कामिला अता फरमा दे कि बीमारी का शायबा भी ना रहे।
अल्लाह बीमारी का नामो निशान मिटा दे, अल्लाह तबीबों के हाथ में शिफा अता फरमा, अल्लाह दवाओं को शिफात का जरिया बना, अल्लाह जो जराही के मराहिल और सर्जरी के मराहिल से गुजर रहे हैं, आज मेरी एक बहुत ही अजीज साथी ने अपनी दोस्त की सर्जरी की शिफा के लिए कहा है, अल्लाह शिफा अता फरमाना, जो कैंसर के मरीज हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं, जो टीबी के, दमे के, जिस मरज वालों ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तो सबकी बीमारियों को जानता है शाफी, सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह बीमारी को ऐसे दूर कर दे कि बीमारी का शुबा भी ना रहे। अल्लाह बीमारों को उनके सब्र का अजर, इयादत गुजारों को उनकी खिदमत का अजर अता फरमा, और अल्लाह हम पर हमारी ताकतों से ज्यादा बोझ ना डालना। और अल्लाह सुभाना ताला इन बीमारियों को देखने के बाद जहन्नुम की 70 मोहलक बीमारियों से बचने की फिक्र अता फरमा, जो मुझे मौत भी देगा और दोबारा मुझे मौत के बाद जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जज़ा वो मेरी खता माफ़ कर देगा। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली हुक्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन व जअल्ली लिसाना सिदक़िन फिल आखिरीन व जअल्नी मिन वरसति जन्नतिन नईम। अल्लाह मुझे हुक्म अता फरमा, मुझे सालिहीन में मिला। दुआ इंसान की ख्वाहिशात और तमन्नाओं का भी इजहार करती है, और बाद में आने वालों में मुझे सच्ची नामवरी अता फरमा और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा। बहुत प्यारी दुआ है जन्नत के हसूल के लिए। इस दुआ को अपनी दुआओं का लाजिम हिस्सा बना लीजिए। और मेरे वालिद को माफ़ कर दे, बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुस्वा ना करना जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जब ना कोई माल फ़ायदा देगा और ना औलाद, बजुज इसके कि कोई शख्स कल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के हजूर हाजिर हो। उस रोज जन्नत मुत्तकियों के करीब लाई जाएगी, परहेजगारों के, जो अल्लाह से डरते थे, डर डर के नमाज के लिए उठ जाते थे, अल्लाह से डरते थे तो अपनी ज़कात का तखमीना लगा के साल के भर अदा कर देते थे, अल्लाह से डरते थे तो अपने हज को बर वक्त अदा कर देते थे, अल्लाह से डरते थे तो खौफ खुदा से अपने अखलाक और मामलात में हुसन पैदा करते थे, अल्लाह से डरते थे तो अपने इर्द गिर्द भूखों को, बेलबासों को, ज़रूरतमंदों को हाजत से अपने ज़्यादा माल खर्च करके जन्नत के हसूल के लिए ज़रिया बनाते थे। उस रोज़ जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी। मैंने कल आपको बताया था ना कि मैदान हशर में 70,000 बागों के साथ एक एक बाग को 70,000 फरिश्ते थामे होंगे, और जहन्नुम को भी मैदान हशर के करीब लाया जाएगा, और वो एक एक का नाम लेकर पुकारेगी। और जन्नतियों के लिए भी हमें हदीस से पता चलता है कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो जितनी आसानी से दुनिया में अपना घर ढूंढते हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा आसानी से वो जन्नत के महल को तलाश कर लेंगे। रब्बी इब्नीली इंदा का बैतन फिल जन्ना, और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी। और कल मैंने आपको बताया था फिर वो कैसे देखेंगे, वो डर रहे होंगे और कनखियों से देखेंगे, और उनसे पूछा जाएगा अब कहाँ हैं वो जिनको तुम खुदा को छोड़कर जिनकी इबादत करते थे, क्या वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं या खुद अपना ही बचाव कर सकते हैं। फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सब के सब उसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना। वहाँ ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे खुदा की कसम हम तो सरी गुमराही में थे जबकि तुम रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे, और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया। अब ना हमारा कोई सिफारिशी है और ना कोई जिगरी दोस्त है, काश हमें एक दफ़ा पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हो जाएं। अल्लाह सुभाना ताला हमें जो ये ज़िंदगी की मोहलत अमल मिली है, अल्लाह इसमें हमें ईमान अता फरमा, अल्लाह हमें अपनी पहचान और बुरहान अता फरमा, अल्लाह इस ईमान में इजाफा फरमा, अल्लाह इस ईमान की हिफाजत आसान बना। ये ईमान जो हमारा सबसे कीमती ख़जाना है, अल्लाह इसकी हिफाजत हम सब के लिए, हमारी औलादों के लिए आसान बना दे। अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमाना। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है मगर उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी।
अब इसके बाद कौमों के किस्से हैं, मैं इनको सिर्फ रीड थ्रू करूंगी। इन सारी अजाब रसीदा बस्तियों के किस्से वजाहत से पूरी डिटेल के असूल, पैगाम, उनकी तारीख, उनकी रुतादें सूरह हूद में डिस्कस की जाती हैं। कौम नूह अलैहिस्सलाम ने रसूलों का इनकार कर दिया। याद करो जब उनके भाई ने नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए अमानत दार रसूल हूँ, सदाकत और अमानत तमाम अंबिया की सिफत है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो, मैं तुमसे इस काम पर तुमसे कोई अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, बस तुम अल्लाह से डरो, बेखटके मेरी अतात करो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें, हालांकि तेरी पैरवी तो सबसे जलील तरीन लोगों ने इख्तियार की है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं क्या जानूँ उनके अमल कैसे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है, काश तुम कुछ शऊर से काम लो, मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाए हैं उनको मैं धुतकार दूँ, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बे कर देने वाला आदमी हूँ। उन्होंने कहा, ए नूह, अगर तू बाज ना आया तो फिटकार पड़े हुए लोगों में शामिल हो जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरी कौम ने तो मुझे झुटला दिया है, और अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे, मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको निजात दे। आखिरकार जो अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। आखिरकार हमने उनको और इसको, उनके साथियों को एक भरी हुई किश्ती में बचा लिया और इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है, मगर उनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। आद ने रसूलों का इनकार किया। असूल क्या बताया जा रहा है पूरी सूरह शोरा में, कि जो कौमें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कुरान के अहकामात का इनकार करती हैं वो नाकाम और नामुराद होती हैं। आद ने रसूलों का इनकार किया। याद करो जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, मैं इस काम में तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे, अल्लाह हमें भी दुनियावी अजर से बिल्कुल खट के खलूस और इखलास से कुरान की दावत की तौफीक अता फरमा। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊँचे मकाम पर ला हासिल एक यादगार इमारत बना डालते हो, बड़े बड़े महलात तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा ही यहाँ रहना है, और जब किसी पर हाथ डालते हो तो जब्बार बन के डालते हो, बस तुम लोग अल्लाह से डरो, मेरी अताद करो, डरो उससे जिसको, जिसने तुम्हें वो सब दिया है जो कुछ तुम जानते हो, तुम्हें जानवर दिए, औलादें दी, बाग चश्मे दिए, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या ना कर, हमारे लिए तो बराबर है, ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं और हम अजाब में मुब्तला होने वाले नहीं हैं। आखिरकार उन्होंने झुटला दिया। तो जो कौम अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की तालीमात को झुटलाती है, हमने उन्हें हलाक कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है, मगर अक्सर लोग मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। समूद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जब उनके भाई सवालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तुम अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो, मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है, क्या तुम उन तमाम चीज़ों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे, इन बागों में, चश्मों में, खेतों, नखलिस्तानों में जिनके खुशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया इमारतें बनाते हो, अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो, उन बेलगाम लोगों की अतात न करो जो जमीन में फसाद करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू तो महज एक सहरजदा आदमी है, तू हम जैसा एक इंसान है, इसके सिवा और क्या है, ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सवाले ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन उसके पानी पीने का है, एक दिन तुम सबके पानी लेने का, उसको हरगिज ना छेड़ना वरना एक बड़े दिन का अजाब तुम्हें आ लेगा, मगर उन्होंने उसकी कूचें ही काट दी और आखिरकार पछताते रह गए। जो अल्लाह की हदूद का तजावुज करते हैं और अल्लाह के मौजात का मजाक उड़ाते हैं, फिर वो अजाब से ही तो चार होते हैं ना, आखिरकार उन्हें अजाब ने आ लिया। यकीनन इसमें निशानी है, मगर इसमें अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं।
लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम में तुम पर किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम तो हद ही से गुजर गए हो। उन्होंने कहा, ए लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं, तू भी इनमें शामिल हो जाएगा। उसने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुड़ रहे हैं, मैं उनमें शामिल हूँ। ए परवरदिगार, मुझे और मेरे अहलो अयाल को इनकी बदकिरदारियों से निजात दे। आखिरकार हमने उसे और उसके सब अहलो अयाल को बचा लिया बजुज एक बुढ़िया के। ये कौन थी? लूत अलैहि सलाम की बीवी। एक तो ये ईमान नहीं लाई थी, दूसरे ये क्या थी, अपने शोहर के राजों की हिफाजत नहीं करती थी, और ये खाइना थी। और देख लीजिए, एक नबी के साथ इतना ज्यादा कुर्ब, अरे बीवी से ज्यादा कुर्ब और किसके साथ हो सकता है? लेकिन उसके बावजूद इतना करीबी रिश्ता भी दुनिया के अजाब से निजात का जरिया भी नहीं बन सका। किसी के आमाल किसी दूसरे के काम नहीं आएंगे। ला ताजिरु वाजरतन विजरा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लहामा कसबत व अलैहा मक्तसबत, हर एक के लिए वो है जो उसने अपने हाथों से कमाया। बुढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में थी, फिर बाकी लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बारिश। कौन सी? पक्के हुए पत्थरों के खिंगरों की बारिश। बड़ी बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई थी। यकीनन इसमें निशानी है, मगर इनमें अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। एक्का वालों ने भी रसूलों का इनकार किया। याद करो जब शोएब ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? सब नबियों ने तकवा और खौफे खुदा और फिक्रे आखरत का पैगाम दिया। मैं तुम्हारे लिए अमानतदार हूँ, तुम अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। मैं इस काम से तुम पर किसी अजर का तालिब नहीं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। पैमाने ठीक भरो, किसी को घाटा ना दो, सही तराजू को तोलो और लोगों को उन चीज़ों को कम ना दो। ज़मीन में फसाद फैलाते ना फिरो, उस ज़ात का खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़श्ता नस्लों को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू तो महज एक सहरज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं मगर एक इंसान हम जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। कॉमन से इतराजात है ना, कोई मजनू, कोई झूठा, कोई साहिर, वही चीज़ें हैं जो हर दौर में रिपीट हुई। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान को कोई टुकड़ा गिरा दे। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। इसमें निशानी है मगर अक्सर मानने वाले नहीं। अल्लाह हमें अक्सर में ना बनाना। हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। रब्बिग़फ़िर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. الله سبحانه وتعالى ये सारी कौमों की रुदादें हमने पढ़ी, हमने सुनी, सीखी। अल्लाह इनके जो जो ऐब और कमियां और कुताहियां तूने हमें बताए और सिखाए, अल्लाह ये सब, ये सारे के सारे इन सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत में और मज़ीद इन पर सब उससे ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत में मिनहसुल कौम हमारे अंदर मौजूद हैं। अल्लाह अपना करम फरमा। हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ी ज्यादती कर दी, तेरी नाफरमानियाँ करके, तेरी सरकशियाँ करके, तेरे हदूद से तजावुज करके इन मगदूब और इन जो अजाब रसीदा बस्तियों के अमल हैं वो अपना कर अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह तू अपना करम फरमा दे। अल्लाह हमें तौबा करके पलटने वाली कौम बना दे। अल्लाह जब पलटें हमें थाम लेना, अपना बना लेना, मेरी कौम को पलट
अपने के बाद निफाज़े इस्लाम को, निफाज़े इस्लाम को अपनाने और इस ज़मीन पर अल्लाह के हाकमियत को कायम करने की तौफीक अता फरमा देना। अल्लाह जो ये मस्जिदें खोली जा रही हैं, अब इस पर लोगों को आबाद कार बना देना। अल्लाह ये जो मस्जिदें कुछ दिन के लिए हमसे बंद कर दी गई थी, मेरी कौम को समझा देना, इस सजा को समझ कर अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने की तरफ पलटने और लौटने की तौफीक अता फरमा देना। ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज़ है, इसलिए कि तेरे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है ताकि तू उन लोगों में शामिल हो जाए जो खुदा की तरफ से खिदमत खल्के खुदा को मुतनब्बे करने वाले हैं, साफ साफ अरबी ज़बान में। अगले लोगों की किताबों में भी मौजूद है, क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी है? कोई निशानी नहीं है कि इससे उलमाए बनी इसराइल जानते हों, लेकिन उनकी हठधर्मी का हाल तो ये है कि अगर हम इसे किसी अजमी पर भी नाजिल कर देते और ये फसीह अरबी कलाम वो उनको पढ़कर सुनाता तब भी ये मान के ना देते। इसी तरह हमने इस जिक्र को कुरान में एक दफ़ा नहीं, बहुत जगह कुरान में जिक्र, कुरान को जिक्र कहा गया है। इस जिक्र को मुजरिमों के दिलों में गुजारा है, वो इस पर ईमान ही नहीं लाते जब तक अजाब अलीम ना देख लें। फिर जब वो बेखबरी में उन पर आ पड़ता है उस वक्त वो कहते हैं क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है, तो क्या ये लोग हमारे सामने अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ गौर किया, अगर हम उन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज़ उन पर आ जाए जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो वो सामान्य जीज जो उनको मिला है उनके किस काम आएगा? देखो हमने कभी किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले हक के नसीहत अदा करने को मौजूद हों और हम जालिम ना थे। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इस किताब मुबीन को शैतान लेकर नहीं उतरते, ना ये काम उनको सजता है और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं। शैतान वो तो इसकी समाज से, कुरान और उसकी आयात की समाज से भी दूर रखे जाते हैं। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ। सूरह शौरा की आयत नंबर 214 में अल्लाह सुबहाना ताला बड़ा अहम सा असूल बता रहे हैं कि दीन की दावत देते वक्त किसको सबसे पहले मुतनब्बे करो? अपने अजीजों को, अपने कराबत दारों को सबसे पहले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका कार कि जब आपने भी इलानिया दावत शुरू की थी तो आपने सबसे पहले अपने कराबत दारों को, रिश्तेदारों को जमा किया था और आपने हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करके फरमाया था, सफिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो, मैं तुम्हारे लिए बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। या फातिमा इनकिजी नफ्सिकी मिनन नार फइन्नी ला तमलुकु मिनल्लाहि शैया। ए फातिमा, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो, ला अमलुकु, मैं कोई इख्तियार नहीं रखता। तो ये वो इब्तदाई नशिस्त थी जिसमें आपने अहले खाना को मुतनब्बे किया था। दावत में सबसे पहले अपने अहले खाना को दावत दी जाएगी और याद रखिएगा, अपने अहले खाना को दावत देना शायद परायों की दावत से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप परायों को बड़ी सहूलत से बैठ के दावत दे सकते हैं, बड़ी आसानी से बैठ के दावत दे सकते हैं, क्योंकि उनको आपके किसी रवैये का नहीं पता। घर वालों को तो आप लोगों को नमाज का बता सकते हैं, ज़कात का बता सकते हैं, मामलात का बता सकते हैं, लेकिन घर वालों को जो आपकी नमाज की सुस्ती देखते हैं, काहिली देखते हैं, जो आपका बुखल देखते हैं, जो आपकी कंजूसी देखते हैं, आप उनको तभी दावत दे सकते हैं। आप लोगों को सच का दरस दे सकते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के सामने अगर खुद आप हर वक्त अपनी ज़बान पर झूठ जारी रखते हैं तो आप अपनों को फिर सच का दरस नहीं दे सकते। अपनों को दावत देना सबसे पहला मरला और हुक्म भी है और ये सबसे मुश्किल भी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अपनों को दावत देने के बाद अगर अपने उसको कबूल ना करें और उस पर लबैक ना कहें तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अपनों को छोड़ के बाहर दावत नहीं देनी जब तक उनकी इस्लाह ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नमूने मौजूद
मौजूद हैं। इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें, चचा अबू तालिब तक तो ईमान लाए नहीं थे, अपने अगर ईमान कबूल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर वो ईमान कबूल ना करें तो कुरान कहता है वमा अलैना इल्लल बलाग, तुम पर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। कुरान फरमाता है लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तुम्हें किसी के ऊपर दारोगा बनाकर नहीं भेजा गया। तो बताना मुतनब्बे सबसे पहले अपनों को करना है और लगातार करना है, लेकिन बस औकात शैतान इस बात को जरूरी दिलों में डालता है, तू लोगों को क्या बताएगी, तू लोगों को क्या कहेगी, तू लोगों को पर्दे का दरस क्या देगी, तेरी तो भी बेटी अपनी बाल जुल्फे खोल के फिरती है। नहीं, बताना मेरा काम है, उसके बाद कोई माने या ना माने वो मेरे रब का मामला है, लेकिन दावत पहले घर वालों को और फिर बाहर, ये तरीका कार लाजिम है। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ, और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करते हैं उनके साथ तवाज़ो से पेश आओ, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो जो कुछ तुम करते हो मैं उससे बरी जिम्मा हूँ, और इस ज़बरदस्त रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगो, क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर जालसाज पर, बदकार पर उतरते हैं, सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उनमें अक्सर झूठे होते हैं। रहे शायर, तो उनके पीछे तो बहके हुए लोग चलते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो? किनको? शायरों को। क्या तुम देखते नहीं हो उन शायरों, हर वादी में, ख्यालों की वादी में, आरजुओं और तमन्नाओं की वादी में, हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं। इश्को आशिकी की बातें, अपने हुसन की बातें, अपने माशूक के हुसन की बातें ऐसे ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं जो करते नहीं, बजोज इन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कस्से से याद किया, और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ पर शायरों के हवाले से एक डिसलाइक का कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वे किया है कि वो मुख्तलिफ ख्यालों की और इन चीज़ों में, वादियों में, गुमराही में भटकते फिरते हैं और वो हदायत और ईमान से महरूम है। शायरी के हवाले से शरीयत का तसव्वुर क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफ़ज़े में शेर नहीं थे, यानी आपको याद ही नहीं रहते थे, और दूसरी बात ये फरमाती हैं कि आप अपने खुतबों में भी शेर इरशाद नहीं फरमाते थे। और वैसे हदीस तो सुन्नत है, हदीस के अल्फाज ये हैं कि आपने अशार के लिए फरमाया कि तेरा पेट शेरों से भर जाए, इससे बेहतर है कि पीप से भर जाए। सो आउट ऑफ द टू ये प्रेफर, और ये मैं आपको बता दूं ये कौन से शेर हैं जिनमें कोई बेहयाई की, कोई इश्क आशिकी की, फजूल किस्म के माशूक के हुस्न के किस्से हैं, या रुदादे हैं, या विसाल या जुदाई का रोना धोना है, या इश्क की मुलाकातों की रुदादे हैं। तो ये सब जो बेहयाई की तरफ शेर व शायरी ले जाती है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा पेट शेर से भर जाए, इससे बेहतर है कि पीप से भर जाए। आउट ऑफ द टू दैट इज अ बेटर प्रेफरेंस। लेकिन बहरहाल ये भी हदीस के अल्फाज हैं कि बाज शेर तो हिकमत होते हैं, तो जो शेर मुस्बित हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो ईमान की तरफ माइल करते हैं, जो कौमी तशख्खुस की तरफ माइल करते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा के जज्बात का तहर्रुक देते हैं, और जो सोई हुई कौम को जगाने और उसमें तलातम जो है वो पैदा करते हैं, जैसे इलामा इकबाल की शायरी है, मुफक्करे पाकिस्तान इलामा इकबाल की शायरी है, और कैसे कैसे अल्फाज है, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे, और फिर वो शायरी जिस खेत के खोशाए गंदम से दहकां को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, एक रेवोल्यूशन का तसव्वुर है, एक खुदी का तसव्वुर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो, और फिर यहाँ वो जो कहा गया किसी यकजाई से अहदे गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मुकामी कर लो, ये क्या है? ये एक सोई हुई कौम को जगाने की शायरी है, ये ईमान को वापस ताज़ा करने की शायरी है। हिलाहाली की शायरी देख लीजिए, मुसद्दस खाली में वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का इतना खूबसूरत अक्स बताते हैं।
अगर आप देख लीजिए तो हफीज जालंधरी का शाहनामा इस्लाम, मैं बहुत दफा तोहफे के तौर पर शाहनामा इस्लाम दिया करती हूँ, इस्लामी तारीख का इतना खूबसूरत, इतना हसीन और इतना बेहतरीन शायराना तारुफ है कि अकल ढंग रह जाती है कि शायरी में भी तारीख इस्लाम इतनी खूबसूरत तरीके से समो के पहुंचा दी गई है। तो ये वो शायर हैं जो हमारी तमद्दुन, हमारे इस्लाम, हमारी असल सकाफत का रंग जिनकी शायरी में झलकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में खुद एक शायरी रसूल हज़रत हसन बिन साबित थे और आप उनको शायरी की तरफ माइल करते थे। वो जो काफिर हिजविया शायरी करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देने की ताकीद करते थे। तो शायरी में भी एतदाल ज़रूरी है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जो पॉजिटिव और मुस्बित शायरी है उसको याद भी कीजिए, ये दिलों को भी ताज़ा करती है, ईमान को भी गर्माती है और ईमान की हरारत भी देती है। लेकिन जो लघवियात हैं, वान लघव मुअरिज़ून या मर्रू करामा जो फजूल किस्म की शायरी है, वो असूल बहरहाल हमारे लिए मौजूद है। अल्लाह हमें हदूद को कायम रख के अपनी ज़िंदगी में एतदाल से ज़िंदगी गुजारने की तरीका सिखाए और हमें बेहतरीन ईमान और उसकी सलामती मौत के वक्त तक अता फरमाए। सदकल्लाहुल अज़ीम। सूरा अन्नमल मक्की सूरत है, 7 रकुआत, 93 आयात, तरतीब के एतबार से 27th नंबर पर है। और दूसरे रकू की चौथी आयत में वादी नमल का तस्करा है, उस हवाले से चूंटी को नमल कहा जाता है, चूंकि चूंटी और वादी, चूंटियों की वादी का तस्करा है इसलिए इसको सूरा नमल कहा जाता है। मक्का का जो दरमियाना दौर है उसमें ये सूरत नाजिल हुई है और बताया इसमें बुनियादी तौर पर बिल्कुल आगाज ही में हकीकत बता दी जाएगी कि जो लोग अल्लाह, नबी और कुरान की तालीमात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तालीमात को मानते हैं उन्हीं के लिए ये हदायत होगी और वही दुनिया और आखिरत में फला पाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन तिलका आयातुल कुरानी व किताबिम मुबीन हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون। तौसीन ये आयात हैं कुरान की और एक क्लियर कट बयन किताब की। ये हुदन हैं, हदायत हैं, और जब ये हदायत बनती हैं तो फिर क्या बन जाती हैं? खुशखबरी बन जाती हैं। जो इन आयात से हदायत कबूल करता है और अल्लाह के पसंदीदा रास्ते सरात मुस्तकीम पर चलने लगता है तो फिर उसके लिए खुशखबरी बन जाती है। किसकी खुशखबरी? रब की रज़ा की, रब की रहमत की, जन्नत के हसूल और जहन्नम की निजात की खुशखबरी बनती है। सब के लिए खुदा न बुशरा नहीं, लिल मोमिनीन, वो लोग जो इनको मानते हैं और इन की मानते हैं। कुरान हुदन और बुशरा है मोमिनों के लिए। मोमिनों की सिफात कैसी हैं? जो कुरान को मानने और किताब मुबीन को मानने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? नमाजें पढ़ते हैं? नहीं, नमाजें कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर सिर्फ ईमान नहीं, बिलाखिरती हम यूकिनून, पुख्ता यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनके करतूत खुशनुमा बना दिए, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस पूरी सूरत में हमें बुनियादी तौर पर यही बताया है कि ईमान लाने वालों का अंजाम क्या होगा और ना मानने वालों का अंजाम क्या होगा। ईमान लाने वालों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया जाएगा, पहले फिरौन का किस्सा सुनाया जाएगा और फिर कौम समूद का किस्सा सुनाया जाएगा कि एक कौम ने और एक बादशाह ने जब अल्लाह को और अल्लाह के रसूल और उनकी तालीमात को नहीं माना था तो कैसे अजाब, दुनिया और आखिरत के अजाब से दो चार हुए। और फिर उसके बाद कौम सबा का वाक्य और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक्य सुना के बताया जाएगा कि जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लिया फिर वो कैसे कामयाब और अल्लाह की रज़ा और रहमतों के उनके शामिल हाल हुई। अल्लाह सुबहाना ताला ने ये खुलासा सबसे पहले बता दिया और फरमाया कि वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने करतूतों को खुशनुमा बना दिया, इसीलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है और आखिरत में यही सबसे ज़्यादा खसारे वाले हैं। बिलाशुबा तुम ये कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो और उन्हें ज़रा किस्सा तो सुनाओ।
जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से कहा था मुझे एक आग सी नजर आई है, अभी या तो मैं वहां से कोई खबर लाता हूँ या अंगारा चुन के लाता हूँ ताकि तुम लोग ताप सको, वहां जो पहुंचा निदा आई, मुबारक है जो इस आग में और जो इसके माहौल में, पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। ए मूसा ये मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त दाना, फेंक तो जरा अपनी लाठी। रुदात पिछली दोहराते जाइए जो पीछे हम सूरह तौहा में और सूरह शोरा में पढ़ चुके हैं। जू ही के मूसा ने देखा कि लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़ के भी ना देखा। ए मूसा डरो नहीं, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते, कब इल्ला ये के किसी ने कसूर किया हो। गोया दो बातें कि नबियों से बशरी तकाजों पर कभी गैर इरादी तौर पर कमियां तो हुई, लेकिन यहां पर दूसरी बात जो समझ आ रही है कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह के हजूर वो शख्स जो कसूर करता है वो डरता जरूर है, चाहे नबियों से कोई कमी हो जाए वो डरते जरूर हैं। हमें पता चलता है ना कि कयामत के दिन भी नबी क्या पुकार रहे होंगे, नफसी नफसी पुकार रहे होंगे। नबी भी अगर कसूर करें तो अल्लाह से डरते हैं। हम अपना मुहासबा तो करें। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देख लीजिए, आपने फरमाया तूबो इलल्लाह, ए लोगो तुम अल्लाह की तरफ तौबा किया करो। फा इन्नी अतूबु फी कुल्ली यौमिन मियाता मरआ, एक जगह आता है सबईना मर्रा, कि मैं दिन में 100 दफा या 70 दफा तौबा करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह, ये अगर गुनाह और कमी कोई खता नाउज़ु बिल्लाह उनसे बशरी तकाजों पर हुई तो वो डरते थे अल्लाह के हजूर, रातों को कयाम करते थे, पांव मुबारक सूज जाते थे, वरम आ जाता था, अट्टियां फट जाती थी एड़ियां और उनमें से खून बहने लगता था। ये खौफ खुदा और फिक्र आखरत का तकाजा था। हम देखें क्या हाल है, अपना मुहासबा अपना जायजा तो लें, बेलाग सा मुहासबा करें। गुनाहों का अंबार है, कसूरों पे कसूर हैं, सुस्तियां हैं, काखलियां हैं, नाफरमानियां हैं, सरकशियां हैं, बदअखलाकियां हैं, बदजबानियां हैं, झूठ है और कितनी और अल्लाह की सरकशियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्तग़फार तौबा जिंदगी में मौजूद ही नहीं है। अल्लाहुम्मा जालनी मिन अत्तवाबीना व जालनी मिन अल्मुतत्वाखिरीन, अल्लाह हमें कसरत से तौबा करने वाला और पाक साफ रहने वाला बना दे। अगर फिर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया ना तो मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ। और ज़रा अपना हाथ अपने गरेबान में तो डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो निशानियाँ हैं 9 निशानियों में से, आपको पता है ये 2 निशानियाँ तो असा और यद बैदा, और 9 निशानियाँ वो जो पे दर पे अजाब आए थे ना, कभी टिड्डियों का कभी सुसरियों का, वो सारे अजाब जो हैं वो 9 निशानियाँ थी उस कौम की तरफ ले जाने के लिए, वो बड़े बदकिरदार हो गए। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियाँ उन लोगों के सामने तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गरूर की राह से निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो मुफसिदों का अंजाम कैसा हुआ, क्या हुआ था, अल्लाह ने गरकाब कर दिया था सबके सबको। असूल समझ में आ गया, जब कोई कौम या कोई माशरा या कोई घराना या कोई अफराद अल्लाह अल्लाह के रसूल और किताब की अहकामात या उसको नहीं मानते या उसकी नहीं मानते तो दुनिया में भी नाकाम होते हैं और अजाब इलाही से दो चार होते हैं। दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, उन्होंने क्या किया, शुक्र किया। याद रखिएगा अल्लाह सुभाना ताला जब नेमतें देता है तो क्या चाहता है, वश्कुरूली वला तकफुरूनी, और इन बाप बेटे की रुदात तो है ही जिक्र और शुक्र की रुदात। अच्छा दोहरा लीजिए, शुक्र कैसे किया जाता है जरा दोहराएं। जब हमें कोई शख्स तोहफा देता है या कोई गिफ्ट देता है तो हम शुक्र कैसे करते हैं, हम उसको पहले अपनी जबान से शुक्रिया करते हैं, फिर उसके बाद दिल में उसके शुक्रगुजार और मशकूर होते हैं, हमारा दिल ना उसकी मोहब्बत से भर सा जाता है। अच्छा मैं उसे याद रही थी, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका ये मेरे लिए उठा के लाई है, हाँ मोहब्बत से भर जाता है और वो हमारा कुछ मोहसिन सा बन जाता है वो तोहफा देने वाला। और फिर उसके बाद हम अमल से उसके मशकूर होते हैं, उसके गिफ्ट को रिटर्न करने की फिक्र करते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र
पहले ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दिल से जिस रब की नेमतें हैं उस रब को अपना महबूब बना लेना है, उसको मोहसिन बना लेना है। जितनी अतात और फरमा बरदारी पहले करते थे उससे ज़्यादा अतात बंदगी और इबादत नेमतों के एहसास के बाद करनी है। और तीसरी बात, अमली शुक्र क्या है कि नेमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हलाल तरीके से हासिल करनी है। नेमत अमली शुक्र क्या है कि नेमत को इस्तेमाल अल्लाह की हदूद और कयूद और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करना है। और अमली शुक्र का तीसरा तरीका ये है कि उस नेमत में से कुछ अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों के लिए और अल्लाह के दीन के लिए अपनी जन्नत के हसूल के लिए इस्तेमाल करना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता किया था तो उन्होंने क्या कहा? इल्म अता होने पर उन्होंने तकब्बुर नहीं किया बल्कि क्या किया? ज़िक्र किया और शुक्र किया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें बहुत से मोमिनों पर फजीलत दी। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और उसने कहा लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं, बेशक ये क्या है, इन्ना हाजा लहुवल फदलुल मुबीन। ये याद रखिएगा, लाइक फादर लाइक सन, बाप भी जाकिर और शाकिर और तकब्बुर की नफी करने वाला, बेटा भी। अल्लाह सुबहाना ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चिरिंद परिंद हैवानात की बोलियां सिखाई थी, इतना बड़ा इल्म दिया था जो शायद रुए जमीन पर किसी के पास ना हो। इतनी बड़ी वो इल्म और नॉलेज थी कि वो किसी, आज किसी को एक के बाद दूसरी बोली आ जाती है तो अकड़ अकड़ के रहता है, किसी को उर्दू और पंजाबी के बाद अंग्रेजी बोलनी आ जाती है तो अंग्रेजी बोलने और अंग्रेजी की फ्लुएंसी के ऊपर किसी को खातर में नहीं लाता, तकब्बुर में लोगों का मजाक उड़ाता है, लोगों को नक्कू बनाता है। यहां पर है कि परिंदों तक की बोलियां हैं लेकिन आजजी है, क्यों है? क्योंकि जिक्र है और शुक्र है। तकब्बुर की नफी का सबसे आसान तरीका यह है कि तकब्बुर, बड़ाई का एहसास दिल में कभी भी नहीं आएगा अगर जिक्र अल्लाह का होगा, दिल में अल्लाह की किबरियाई होगी और नेमतों पे ये नहीं होगा कि इसमें मेरा कमाल है, ये मेरे रब का एहसान है, तो तकब्बुर का गुमान भी नहीं होगा। और ये भी पल्ले से बांध दीजिए, जिक्र शुक्र सब्र और तकब्बुर की नफी, ये जन्नत की सीढ़ी के पहले चार जीने हैं, इनको चढ़ेंगे तो जन्नत पर चढ़ना सहल और आसान हो जाएगा। जब इतना बड़ा इल्म था तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह का नुमाया फजल है, सुलेमान के लिए जिन इंसान और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे। एक मरतबा वो इनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब चींटियों की वादी, ये वही है जिसकी वजह से सूरत को सूरा नमल कहा गया है, और वादी को वादी नमल इसलिए कहा गया था कि कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि इसको एक नमल नामी शख्स ने आबाद किया था, और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ये एक वादी थी जिसमें बहुत सी चींटियों की बस्तियां और एंट हिल्स थी, तो इसलिए इसको वादी नमल कहा जाता था। तो जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा ए चींटियों, अपनी बिलों में घुस जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखे ना, तो चींटी ने कहा अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो ना कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा। हंसे क्यों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? एक तो ये कि उन्होंने चींटी की बात को सुन भी लिया था और समझ भी लिया था, हाँ, और फिर उस पर अल्लाह की इस नेमत के शुक्र के तौर पर मुस्कुराए थे। और फिर जो चींटी का एक गलत तसव्वुर था ना कि शायद मैं जब इतना बड़ा मुतकब्बिर सा लश्कर लेकर निकलूंगा तो मैं लोगों पर जुल्म ज्यादती और उनको रौनता और कुचलता फिरूंगा, तो उनको पता, ये एहसास हुआ कि मैं ये काम नहीं करूँगा, इसको मेरे बारे में गलत तारुफ हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े, चींटी तक की बात समझ में आ रही है और इतना बड़ा लश्कर है और चींटी इनके लश्कर की बड़ाई के रोब में है, तो क्या है? है कोई तकब्बुर? है कोई घमंड? कहा क्या है? कहीं ये कहा मुझे तो चींटियों की भी बोलियां समझ में आती हैं? नहीं नहीं, तकब्बुर का तसव्वुर ही नहीं है। हंस पड़ा और ये बहुत ही प्यारी दुआ है, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। कितने प्यारे से अल्फाज हैं, ए मेरे रब औज़िअनी, औज़िअनी का मतलब है अल्लाह मुझे ज़रा
काबू में रख, मैं आपे में रहूं, मैं आपे से बाहर ना हो जाऊं। यानी तूने जो मुझे इतनी बड़ी हकूमत, ओदा, रियासत, इल्म, फन, हुनर, इतने बड़े लश्करों का मालिक तूने मुझे बता दिए, कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल ही ना हो जाऊं, कहीं मैं आपे से बाहर होके तकब्बुर करके, गरूर करके, घुमंड करके, फ़खर करके इतराने ना लगूं। मुझे आपे में रखना। और तकब्बुर से बचने के लिए क्या कहते हैं? हाँ, मैं क्या करूँ? अन अशकुरा। याद रखिएगा, तकब्बुर और गरूर से बचने के लिए शुक्र लाजिम है। क्योंकि जो शख्स अपनी नेमतों को याद रखता है और अपनी नेमतों का तस्करा करता है और अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ करता है, उसमें उसकी अपनी बड़ाई का तो तसव्वुर है ही नहीं। ये नेमतें मेरे पास हैं तो मेरा क्या कमाल है, ये मेरे रब की देन है। एतराफ़ नेमत और शुक्र जो है वो ज़िंदगी में से तकब्बुर को निकाल देता है। उन्होंने कहा, अल्लाह मुझे आपे में रखना, मुझे ज़ब्त नफ्स में रखना। और कैसे रखना? कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र करूँ। कौन सी नेमतों का? वो जो तूने मुझ पर इनाम किए हैं और वो जो तूने मेरे वालिदैन पर भी इनाम किए। मतलब जस्ट इमेजिन, शुक्र कितने एक्सटेंसिव और कितने वाइड लेवल पर किया जा रहा है। आज लोग सिर्फ अपनी नेमतों का शुक्र नहीं करते। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनका मैं बहुत दफ़ा बताती हूँ ना, ये बाप बेटा शुक्र और ज़िक्र की रूदात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ जो उनको नेमतें दी थी, हालांकि वो भी इतनी कसीर थी, सिर्फ उनका नहीं, अला वालिदैया, अपने वालिदैन की नेमतों का भी शुक्र कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि वालिदैन की नेमतों का शुक्र करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाफ ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह और हाफ जो नेमतें हमारे पास होती हैं उनका ताल्लुक तुम्हारी वालिदैन की नेमतों के साथ होता है कि नहीं होता। आप देखें कि हमारे माँ बाप पढ़े हुए थे तो उन्होंने हमें पढ़ाया। अगर माँ बाप अनपढ़ होंगे, जाहिल होंगे, इलिटरेट होंगे, तो शायद वो औलादों को नहीं पढ़ाएंगे। तो जो हमारा इल्म, फन, हुनर है, उसमें वालदेन के इल्म और फन और हुनर का ताल्लुक है। फिर अल्लाह सुबहाना ताला हमें हमारे माशरे में, हमारी बरादरी में जो इज्जत देता है, उसमें आधा रोल जो है हमारे माँ बाप का होता है। हमारे माँ बाप की साख, हमारे माँ बाप की लेन देन, हमारे वालदेन की डीलिंग जो बरादरी के साथ होती है, वो हमारी इज्जत और तारुफ का जरिया बनती है कि नहीं बनती? लोग हम किसी शादी में जाते हैं, अच्छा तुम फला की बेटी हो, अच्छा ये फला की बेटी है, हाँ ये हमारे तारुफ और इज्जत का जरिया बनती है। उसके बाद फिर हमारे अखलाक मामला जो है वो काउंट होते हैं। और फिर वालदेन का माल हमारा विरासत में हमारा जरिया बनता है। तो नेमतों का शुक्र सिर्फ अपनी नहीं, अपने वालदेन और कितने एक्सटेंसिव लेवल पर शुक्र करना जरूरी है। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा व जालनी शकूरा व जालनी फी आईनी सगीरा व फी आयुनि नासी कबीरा। और फिर शुक्र के बाद क्या करूं? ऐसा अमल करूं, कैसा अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। और फिर अल्लाह मुझे अपनी रहमत के साथ अपने सवाले बंदों की सफ में शामिल फरमा ले। बहुत ही प्यारी दुआ है। इसमें आजी भी है, इनकिसारी भी है, तकब्बुर की नफ़ी की ख्वाहिश भी है, जिक्र भी है, शुक्र भी है, और फिर फिक्र आखरत भी है। एक और मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया। मैंने आपको बताया ना कि परिंदों की बोली भी समझते थे और परिंदों के ये सारे के सारे लश्कर जो है ना वो इनके ताबे फरमान भी थे। और बहसियत एक अच्छे जो हाकिम होता है और बहसियत एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र, वो अपने फरमा बरदार, अपने जो मातहत हैं उनकी चेकिंग करते थे, उनकी सुपरविज़न करते थे। क्योंकि जो अच्छा सरबराह होता है वो मुआयना करता है, वो जायज़ा लेता है, वो इंस्पेक्शन करता है, ये अमानत का तकाजा है। वो अपने परिंदों का जायज़ा ले रहे थे और कहा, क्या बात है, मैं फला हुदहुद को नहीं देख रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया? मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या मैं ज़िबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। जो सरबराह है उसको सुपरविजन भी करनी है, उसको चेकिंग भी करनी है, उसको मॉनिटरिंग भी करनी है, और अगर मातहत कभी गलती करते हैं तो सख्ती और दुरुस्तगी करने का भी इख्तियार है, डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त को कायम रखने के लिए। ये ज़िबा करना कोई जुल्म और ज़्यादती का ज़िबा करना नहीं था, ये नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन और अमानत को कायम रखने के लिए धमकी और झिड़की थी। कुछ देर ज़्यादा ना गुजरी कि उसने आकर कहा, किसने? उस हुदहुद ने, मैं तो वो मालूमात हासिल करके लाया हूँ जो आपके इल्मी में नहीं है। मैं सबा के बारे में यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। सबा कौन था? सबा कोई खातून नहीं थी, ये मलिका का नाम नहीं था, ये तो एक कौम का नाम था। उस कौम की मलिका को मलिका बिल्किस नाम उसका नहीं बताया गया, उसको मलिका सबा ही कहकर पुकारा गया। सबा उस कौम का नाम था। ये जनूबी
सऊदी अरब जो है सदरन हिजाज और सदरन अरब का जो इलाका है उसकी एक बहुत वेल डेवलप्ड और बहुत ही मुतमद्दिन सी कौम थी और बड़ी मालदार कौम थी, और इसका तस्करा इंशाल्लाह आगे हम सूरा सबा में बड़ी वजाहत से पढ़ेंगे। बड़ी मालदार तरक्की याफ्ता और बड़ी मुतमद्दिन और रिफाइंड कौम थी और इनकी हाकिम एक औरत मलका सबा थी और इनका टाइम पीरियड तकरीबन 115 कबले मसीह बताया गया है। मैं उनके बारे में इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है और उस औरत को और कौम को हर तरह का सरो सामान बख्शा गया, यानी अल्लाह ने बहुत नेमतों से माला माल किया। उसका तख्त भी बहुत अजीम है और मैंने देखा है कि वो उस कौम को कि वो अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है, यानी क्या है, सूरज को पूजने वाली कौम है। उसने हुदूद ने आगे हैरत का इजहार किया ना कि मतलब अल्लाह ने उनको इतनी एंडलेस काउंटलेस ब्लेसिंग्स नेमतें हकूमत ओदे इक्तदार किए हैं, जस्ट लुक एट देम, कि जिस रब रहमान ने वो नेमतें दी हैं उनको सजदा करने के बजाय उस रहमान की मखलूक सूरज को सजदा करते हैं। गोया ये बात याद रखिएगा कि जब कौमें और जब अफराद शिर्क करते हैं ना और तौहीद से हटते हैं तो अल्लाह की मखलूक को भी हैरत होती है। और फिर हुदूद ने वजह बताई, असल में पता है क्या वजह है, शैतान ने उनके अमल उनके लिए खुशनुमा बना दिए कि वो सूरज को पूज रहे हैं और उनको बस ना वही ठीक लग रहा है और उन्हें असल शाहराह से, कौन सी शाहराह से, सिरात मुस्तकीम से और तौहीद के रास्ते से रोक दिया, इस वजह से वो सीधे रास्ते को नहीं पाते और उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ें निकालता है, वो सब कुछ जानता है जिसे तुम छुपाते और जाहिर करते हो, अल्लाह जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श से अजीम का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदूद ने खबर दी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को ले चलता है, नहीं, सदाकत के लिए क्या जरूरी है, तहकीक और तस्दीक, और तमाम नबियों के तरीके एक जैसे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से, गोया सुनी सुनाई बात को नहीं माना, ये मेरा खत ले जा और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर जरा अलग हटक कर देखना कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। अब हज़रत सुलेमान ने उस मलका सबा को आजमाने के लिए एक ख़त लिखा और पैगाम देने के लिए ख़त लिखा और उसको हुदहुद के ज़रिए भेज दिया। परिंदों के ज़रिए ख़त रसानी और ख़तों को पहुंचाना और बर्ड्स का पोस्टल सिस्टम, ये वो इल्म और हुनर था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में सिखा के इंसानियत को पहुँचाया गया। याद रखिएगा, इंसानियत को बहुत सी चीज़ें अंबिया के तवस्सुत और वही के ज़रिए पहुंचाई गईं, जैसे कश्ती साजी का इल्म हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहुंचाया गया, ये बर्ड्स के ज़रिए ख़तों की तरसील का इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए, लोहा साजी का इल्म हज़रत दाऊद के ज़रिए, तांबे के चीज़ें बनाने का इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और उस दिन मुझे भूल गया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रुदाद मैंने आपको सुनाई जिनकी जान फरिश्ते ने चौथे आसमान पर जो निकाली थी। इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो कलम के मूजिद थे, तो बहुत सी चीज़ों का फ़न और हुनर जो है वो वही के ज़रिए नबियों को पहुँचा के इंसानियत तक पहुँचाया गया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा ख़त ले जाओ। अब हुदहुद जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात लेकर अपनी चोंच में ख़त लेकर उड़ता हुआ गया और मलका सबा के दरबार में जाके उसने ख़त फेंक दिया। अब मलका को जब ख़त मिला, उसने खोला तो उसने क्या कहा, मलका बोली अहले दरबार मेरी तरफ तो एक बहुत अहम ख़त फेंका गया है। अहम में क्या चीज़ थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है, अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया और मजमून ये है, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो, मुस्लिम हो के मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलका सबा को इस खत में अहम बातें क्या लगी थी, नंबर वन, उसकी जो तरसील का जरिया था दैट वाज वेरी अनयूजुअल, उस वक्त तक तो कासे सवारियों घोड़ों वगैरह पर या पैदल जाके खत पहुंचाते थे, ये जो तरसील का जरिया था दिस वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड, एक अनयूजुअल सी चीज़ थी, उसने पहले कभी ये हैपनिंग नहीं देखी थी कि परिंदा खत लेकर आए। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली की एक बहुत बड़ी हुकूमत के हुक्मरान, अपनी एक दौर की सुपर पावर के हुक्मरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े हाकिम की तरफ और फरमा रवा की तरफ से था ख़त मलका सबा को, और तीसरी बात है कि इतने बड़े हाकिम ने
अहकमुल हाकमीन और रहमान और रहीम के नाम से ख़त को शुरू किया था और बेसिकली मलका सबा रहमान और रहीम को जानती नहीं थी। फॉर हर ये भी एक बड़ी स्ट्रेंज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक अनयूजुअल सी बात थी। वैसे मैं आपको बताऊं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया था। तमाम नबियों की सुन्नतें ना मिलती जुलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान की तरह दावती ख़त लिखते थे और अरसाल खुद तो नहीं लिखते थे, लिखवाते थे, लेकिन जब आप भी दावती ख़त अरसाल फरमाते थे तो उनके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप भी लिखवाते थे। गोया ख़तों के शुरू में भी बिस्मिल्लाह लिखना अम्बिया की सुन्नत है और हर काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना भी अम्बिया की सुन्नत है और दावत और तबलीग के कामों को भी बिस्मिल्लाह से करना ये भी अम्बिया की सुन्नत है। और तीसरी बात कौन सी अजीब थी, चौथी बात जो उस ख़त में बहुत अहम थी कि उसका मज़मून बहुत जारहाना और बहुत एग्रेसिव था, बहुत धमकी थी हज़रत सुलेमान की तरफ से कि फरमा बरदार हो जाओ, मेरी मुती बन जाओ, यानी एक धमकी और एक हमला और एक खौफ की कैफियत। अब ख़त सुना के मलका ने कहा, ए सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में ज़रा मुझे मशवरा तो दो, मैं किसी मामले में तुम्हारे मशवरे के बगैर फ़ैसला नहीं करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, फरमा बरदार से थे ना और बड़े मुती थे, आगे फ़ैसला आपके हाथ में, आप खुद देख लें आपको क्या हुक्म देना है। अब देख लीजिए कि जी मलका खातून होने के बावजूद एक रियासत और इतनी मालदार रियासत की मलका है, इसमें कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स तो है ना, बड़ी समझदार है, बड़ी जीरक और बड़ी मामला फहम है, बड़ी कॉन्फिडेंट है, मशवरे के साथ फैसला करती है और फिर सबसे बड़ी बात बड़ी कूल और कंपोज्ड है, पैनिक नहीं करती है। छोटी छोटी बातों पे हम खवातीन तो छोटी सी बातों पे हमारे हाथ फूल जाते हैं, दो मेहमान आ जाएं तो हमें समझ नहीं आता क्या करें, तो बड़ी कूल है, कंपोज्ड है, मुतहम्मिल मिजाज है और रिलैक्सड है, कंटेंटेड है, मुतमइन सी है और बड़ी ही मामला फहम और जीरक है। उसने कहा कि देखो बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं ना तो उसे ख़राब करते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील करते हैं, यही कुछ वो किया करते हैं। हाँ नॉन मुस्लिम फातह और कॉन्करर्स तो ये करते हैं, सो दैट इज़ हाउ शी थॉट, लेकिन मुसलमान फातह तो ऐसा कुछ नहीं करते ना, मैं उनकी तरफ एक हदिया भेजती हूँ। हज़रत सुलेमान ने पहले इसको टेस्ट किया था, अब ये हज़रत सुलेमान को टेस्ट करने लगी, मैं एक तोहफा एक हदिया भेजती हूँ कि मेरा एलची जो है ना, मेरा एम्बेसडर, वो क्या जवाब लेकर पलटता है। अब ये बहुत मालदार कौम की मालका थी, इसके पास क्या था, ज़ाहिर है सोने और जवाहरात और बहुत उसके पास जो माल था। अब इसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को टेस्ट करूँ और ट्रायल दूँ, क्या ये माल के दाने में आते हैं कि नहीं आते और माल के चक्कर में पड़ते हैं, यानी ब्राइब करने की कोशिश की कि मैं माल देकर देखूँ। इसने सोने की ईंटें भेजी थी तोहफे की शक्ल में, शी जस्ट वॉन्टेड टू एनालाइज के सोने की ईंटें हर दौर में बड़ी महबूब रही हैं। हाँ वल कनाती रिल मुकंतराती मिन अज़हबी वल फिज़ती, ये तो हुब्बुश शहवात है, ये देकर उसने अपने सफ़ीर के हाथ बेची कि मैं देखूं कि इस माल की मोहब्बत में अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा आगे से माल और रिश्वत में दे के इनका मुंह बंद कर लूँगी और इनको हमले से रोक लूँगी। जब वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचा तो उसने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो, मतलब मुझे रिश्वत देने आए हो, हाँ क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो, जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है ना वो से बहुत ज़्यादा है जो तुम दे रहे हो, यानी क्या है, हराम माल और रिश्वत को कबूल करने से इनकार करने के पीछे ट्रिगरिंग और मुतहरिक फैक्टर्स कौन से थे। अरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं थी, दिल में हुब्बे माल और हुब्बे जा नहीं था, वही है ना, रब्बी औज़िअनी, काबू में था, जब्त नफ्स था, दिल में माल की मोहब्बत नहीं थी, हुब्बन जम्मा नहीं था, हाँ तो ये मोहब्बत माल की नहीं थी और बस चूंकि माल की मोहब्बत का फितना नहीं था तो हिरस हवस तमा लालच कुछ भी नहीं था, अल्लाह पर तवक्कुल था और बस रिश्वत की कोई फिक्र ही नहीं थी और रिज़्क़े हलाल पर जमना आसान था। ये माल की मोहब्बत बहुत बड़ा फितना है, ये फितना बन जाती है और एंडलेस गंदे जज्बात को आगाज़ करती है। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है ना, तवक्कुल भी है, कनात भी है, उससे बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें दे रखा है। आप देख लीजिए आज हुक्मरानों के पास कितना कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी माल लूटते हैं और अपनी स्विस तिजोरियाँ भरते हैं, क्यों, क्योंकि माल की मोहब्बत है ना दिल में
और फिर उसकी वजह से हिरस हवस तमा, हाल यह कि इब्ने आदम तेरा मुंह तो कब्र की मट्टी भरेगी, और हाल यही है आज हमारे हुक्मरानों का। तो उन्होंने कहा मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक हो, ए सफीर वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ, अब हम उन पर लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे, और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वो ख्वार होके रह जाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए अहले दरबार, अब तुम में से कौन उसका तख्त, उसका किसका, मलका सबा का तख्त मेरे पास लाता है, क्योंकि हुदूद ने खबर दी थी ना कबल इसके कि वो मुती हो के मेरे पास हाजिर हो, ये अब टेस्ट करने के लिए हजरत सुलेमान मंगवाना चाहते हैं। जिन्हों में से कवि है, कल ने अर्ज किया मैं हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। बड़े बड़े जिन इनके काबू में थे, अल्लाह के हुक्म से थे, इनके अपने कमालात नहीं थे। फिर इनमें से, और उसने कहा कि मैं ताकत भी रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था बोला उठने से पहले भी नहीं, मैं तो आपके पलक झपकने से पहले ला दूंगा। ये शख्स कौन था, कोई जिन था, कोई इंसान था, कौन था, इसके बारे में कुरान भी खामोश है, हदीस भी खामोश है, तो लिहाजा हमें कुरेद और टोमे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जूं ही के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो क्या कहा, हाँ रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती, हाँ वो दुआएं करते थे ना तो दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली। इतनी बड़ी मलका का इतना खूबसूरत अर्श और इतनी बड़े अपने दरबारी और इतनी जबरदस्त नफरी उनकी मातहत, कोई तकबर नहीं आया था। देखा मेरे दरबारी कैसे हैं, देखा मेरे मातहत कैसे हैं, आज कैसे लोगों के दिलों में तकब्बुर छोटी छोटी बातों में घर ही कर जाते हैं, और कैसे मैं और मेरी और ये कहानियां फूलने फलने लगती हैं। इन्होंने कहा कि क्या है, हाजा मिन फजली रब्बी, इसमें तो मेरा कोई कमाल ही नहीं, इसमें तो मेरा कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरे रब का फजल है। कोई रब का फजल, अल्लाह की हलाल नेमतें होती हैं, जायज़ और हदूद के अंदर की नेमतें हैं। आज तो रिश्वत के माल को कहते हैं ना हाजा मिन फजली रब्बी, अल्लाह हमें इससे बचाए, क्यों, क्योंकि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी। इंशाल्लाह इस पर बात होगी। अल्लाह ने फरमाया ये तो मेरे रब का फजल है, और क्यों दिया है, ताकि वो मुझे आजमाए। नेमतें रब क्यों देता है, ये देखने के लिए कि नेमतों के बाद एतराफ़ नेमत और शुक्र करता हूँ कि नहीं। ये नेमत तो मुझे रब ने इसलिए दी है कि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिरी नेमत बन जाता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है ना, उसका शुक्र उसके अपने लिए मुफीद है, और ना शुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज है और अपनी ज़ात में आप महमूद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अनजान से तरीके से उसका तख्त उसके सामने रख दो, देखें तो सही वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास्ते नहीं पाते। अब जब फतह हो गई और मलका को वापस हज़रत सुलेमान के दो उसमें महल में बुलाया जा रहा है ना दरबार में, एक गुलाम कौम की तरह और एक मफ्तू कौम की मलका की तरह, तो तब इस जो तख्त है ना इसको मलका को आजमाने के लिए रखा जा रहा है। मगर जब मलका हाजिर हुई तो उसने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बंदों ने पूछा ना कि ये तख्त कौन सा है, आप ये देखिएगा कि कितनी सेंसिबल है और कितनी मामला फहम और कितनी जीरक है और कितनी नपी तुली जची बात करती है, कि शी जस्ट डजंट गेट एट द रॉन्ग साइड ऑफ हज़रत सुलेमान। हाँ मतलब उनको ऑफेंड नहीं करना चाहती, वरना कोई शायद नॉर्मल होता तो वो कहता कि तो तुम मेरा उठा के ले आयो, ये तो तुमने मेरा चोरी कर लिया है, लेकिन नहीं, कितनी कितनी नपी तुली बात करती है। उसने कहा उनसे कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा है, वो कहने लगी ये तो गोया वैसा ही है, कि मतलब ये नहीं कि मेरा उठा लाए हो या चोरी कर लाए हो या डाका डाल लाए हो, बस ये गोया वैसा ही है, हमने तो पहले ही जान लिया था। ये मलका कह रही है हमने तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे ताज झुका दिया था और हम मुस्लिम हो गए थे। कहते मलका रियलाइज कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके कब्जे में जिन और इतने इतने बड़े दरबारी हैं कि पलक झपकते में मेरा इतना ग्लैमरस और इतना इतना ज़बरदस्त किस्म का वो तख्त उठा के वहाँ से यहाँ एनर्जाइज करके ले आए हैं, और ये रहमान और रहीम को मान रहा है तो मैं भी उसके आगे झुक जाऊँ। ये उसकी समझ और उसकी होशमंदी थी, ज़िद और ढिटाई नहीं थी ना। फिरौन इतना बड़ा हुक्मरान होने के बावजूद क्या कर गया था, ज़िद और ढिटाई। मुजात उसके सामने भी आए थे, अजदहा उसके सामने भी बना था, यदे बैदा उसके सामने भी आया था, नौ निशानियाँ उसके सामने भी आई थी, लेकिन
जिद थी, डिटाई थी और वो तकब्बुर था जिसकी वजह से उसको ईमान नसीब नहीं हुआ था। यहां पर जिद नहीं है, ढिटाई नहीं है, अनानियत नहीं है। हाँ, लाइल्मी थी जिसकी वजह वो सूरज को पूछती थी। जब वो लाइल्मी का पर्दा छट गया तो उसने जिद और ढिटाई नहीं की, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इलाह को कबूल करने में और मानने में कामयाब हो गई। उसको ईमान लाने से जिस चीज़ ने रोका था ना, वो तो इन माबूदों की इबादत थी जिसको वो अल्लाह से पहले पूजा करती थी, क्योंकि वो पहले थी ये काफिर कौम में से। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अब उसकी आखिरी इम्तिहान लिया, उसे कहा गया महल में दाखिल हो जा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल, इसकी रुदाद इंशाल्लाह आगे जाके कहीं और पढ़ेंगे, बहुत ही रिमार्केबल और स्प्लेंडेड सा महल था और फर्श ऐसे जैसे संगे मरमर का बना हुआ था। और संगे मरमर मेरा ख्याल है आज मुझसे और आपसे ज़्यादा किसको पता है, वो बेहतरीन पॉलिश संगे मरमर और पोर्सलिन्स जब होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो ऐसे चमकती हैं जैसे शीशा। अब जब हज़रत कौम सबा की मलका को हज़रत सुलेमान के महल में दाखिल होने के लिए कहा गया, तो जब उसको अक्स नज़र आया तो उसको लगा शायद ये पानी का हौज़ है। महल में दाखिल हो जा, उसने जो देखा तो समझा कि पानी का हौज़ है, और उतरने के लिए उसको लगा कि पानी का हौज़ है, उसने अपने पैंचे उठा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या ये पानी नहीं है, ये शीशे का चिकना फर्श है। हाँ, गोया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा ने जो पैंचे उठाए थे ना उसको पानी का हौज समझ के उसको भी थोड़ा सा डिसलाइक किया और बता दिया कि ये पानी शानी नहीं है, ये ज़मीन है, ताकि वो अपने पैंचे वापस कर दे। याद रखिएगा, मुसलमान औरतों के लिए शरीयत का हुक्म क्या है कि उसकी पिंडलियाँ और टखनों से ऊपर, ये सब उसका सतर है, और सतर को और टखनों से ऊपर के जिस्म के हिस्से को खोलना एक मुसलमान औरत के लिए लायक और जायज़ नहीं है। लिबासु तक्वा ज़ालिका खैर, सूरह आराफ में अल्लाह फरमाता है एक मुसलमान औरत का लिबास सातिर होना चाहिए। टखनों को खोलना, पिंडलियों को खोलना मुसलमान औरत का शेवा और लिबास नहीं है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हमारे माशरे में ये जो पाजामे और जो स्लिट पैंट्स और ये जो टाइट्स हैं, वो नानी अम्मा भी वहीं घुटने पे घुटना रख के पिंडली खोल के बैठी होती है, वहीं पे अम्मा जान भी उसमें नाच रही होती है, और नवासी भी वहीं अपनी पिंडलियाँ खोले महव रक्स होती है। अल्लाह सुबहाना ताला हमें हया और तकवा के लिबास को समझने और उसी को अपनी ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक अता फरमाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ए मेरे रब, आज तक तो मैंने अपने नफ्स पर बहुत ही जुल्म किया, और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतात कबूल कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना मलका सबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया था। मलका ने तो आजमाया था सिर्फ वो सोने की ईंटें भेज कर आजमाया था ना, उनका लव ऑफ मनी एंड लस्ट ऑफ मनी को इम्तिहान लिया था। लेकिन हज़रत सुलेमान ने पहले खत देकर आजमाया था, फिर उनको धमकी जवाब देकर कासिद के जरिए आजमाया था, फिर जब वो आ गई तो वो सामने तख्त रख के आजमाया और समझाया, और फिर महल में दाखिल करके आजमाया। और महल में दाखिल होने के बाद फौरन ईमान का ऐलान क्यों कर दिया था, कि मलका को ये बात समझ में आ गई थी कि इतना साहिब माल, इतना साहिब इक्तदार, इतना साहिब इल्म, फन, हुनर, रियासत, ओदे इक्तदार वाला इतना बड़ा हाकिम वक्त अगर अपने से बड़े हाकिम वक्त की वहदानियत को तस्लीम कर रहा है, तो अकल का तकाजा और इल्म का तकाजा यही है कि अपनी लाइल्मी से बाज आकर जिद को छोड़ के मैं भी इसको मान लूँ। अल्लाह सुबहाना ताला अपना ईमान, अपनी पहचान, अपनी बुरहान अता फरमा दे, और अल्लाह हमें अपने ताल्लुक बिल कुरान में तकब्बुर से, ज़िद से, ढिटाई से और अनामनियत से बच के इसको पढ़ने, समझने और अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। समूद की तरफ हमने उनके भाई सवाले को भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो वो दो मुतखासिम होता है आपस में लड़ने वाले फरीक बन गए। सवाले ने कहा, है मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई की क्यों जल्दी मचाते हो, क्यों नहीं अल्लाह से बख्शिश तलब करते, शायद है कि तुम पर रहम किया जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया। याद रखिएगा, ना चीज़ें, ना दिन, ना अफराद, ना लोग, कोई बदशगुन नहीं होते। बदशगुनी क्या होती है, इंसान के अपने आमाल।
सवाले ने जवाब दिया, तुम्हारे नेक और बद शगुन का सरिश्ता तो अल्लाह के पास है, असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते थे और कोई इस्लाह का काम नहीं करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खा के अहद कर लो, हम सवाले और उसके घर वालों पर शबखून मारेंगे। ये बिल्कुल वही तरीका कार है ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मुशरिकीन मक्का ने इरादा किया था कि हम हर कबीले का एक फर्द जो है वो मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह धावा मारेगा, जब कत्ल की साजिश की गई थी। तो यही हर दौर में नबियों के नाम मानने वालों ने मुखालिफत की, कत्ल की साजिशें की और हरबे और तरीके भी मिलते जुलते ही रहे। उन्होंने कहा कि शबहून मारो और फिर इसके वली से हम कह देंगे कि हम किसके ख़ानदान के हलाकत के मौके पर मौजूद तो नहीं थे, हम तो बिल्कुल सच्चे हैं। ये चाल तो वो चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर ना थी। अब देख लो उनकी चाल का अंजाम क्या हुआ, हमने तबाह करके रख दिया उनको और पूरी कौम को, और उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म की पादाश में जो वो कर रहे हैं। उसमें एक निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज करते थे। और लूत को हमने भेजा, याद करो वो वक्त जब उसने अपनी कौम से कहा था, क्या तुम आंखों देखे बदकारी करते हो, क्या तुम्हारा ये चलन है कि औरतों को छोड़ के मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो, हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत से काम करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को, बजुज उसकी बीवी के जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था। और बरसाई उन लोगों पर एक बारिश, बहुत ही बुरी बरसात, वो उन लोगों के हक में थी जो मुतनब्बे किए जा चुके थे। इनसे कह दो हमद अल्लाह की है और इस्लाम और सलाम उनके उस बंदों पर जिन्हें उसने बरगजीता कर दिया। उनसे पूछो अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें ये लोग उसका शरीक बना रहे हैं, भला वो कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में ना था, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा इन कामों में शामिल है? शिर्क की नफी और तौहीद के अकीदे को रासे करने के लिए मुख्तलिफ सवाल हैं, करते भी जाइए दिल इनकी गवाही भी देता जाएगा। नहीं बल्कि यही लोग राह रास्त से हटकर चल रहे हैं। वो कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया, उसके अंदर दरिया रवा किए, पहाड़ों की मेखें गाड़ी, पानी के दो जख़ीरों के दरमियान पर्दे हायल किए, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा इन कामों में शरीक है? नहीं बल्कि अक्सर लोग नादान हैं। अल्लाह हमें इन अक्सर में ना बनाना। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब कोई उसे पुकारता है, कौन उसकी तकलीफ़ दूर करता है, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुश्की और समुंदर की तारीकियों में तुम्हें रास्ता दिखाता है? कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? बहुत बाला और बरतर है अल्लाह और शिर्क से जो ये करते हैं। कौन है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर उसका आदा करता है? कौन है जो तुम्हें ज़मीन और आसमान से रिज़्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा इन कामों में हिस्सेदार है? कहो लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। उनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमान और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता और वो नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखरत का इल्म ही तो इन लोगों से गुम हो गया, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये उसकी तरफ से अंधे हैं। ये मुनकरीन कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो क्या हम वाकई कब्रों से निकाले जाएंगे? ये खबरें तो हमें बहुत दी गई हैं और पहले हमारे आबाओ अजदाद को भी दी गई थी, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते ही चले आ रहे हैं। कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर तो देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। इनके हाल पर रंज न करो और ना इनकी चालों पर दिल तंग करो। वो कहते हैं ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो क्या अजब कि जब
अजाब जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब आ लगा हो। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरं वजालनी शकूरा। बिला शुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ ऐसी नहीं जो एक वाज़े किताब में लिखी भी ना हो। ये वाक़या है कि कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिसमें वो इख्तलाफ़ करते हैं और वो हदायत है और रहमत है किन के लिए? लिल मुमिनीन, जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की मानते हैं। अल्लाह समेना और अत्वाना की तौफीक अता फरमा। यकीनन इसी तरह तेरा रब उन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसला कर देगा और वो ज़बरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम सरी हक पर हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। एक तो मुर्दों से मुराद वो लोग हैं जिनके नफ्स और जिनके ज़मीर मुर्दा हैं, जिनका नफ्स लवामा मुर्दा है। तो जिसका ज़मीर मुर्दा हो जाए ना, वो तो सुम्मुम बुक्मुम उम्युम फहुम ला यरजून, वो अंधे बहरे गूंगे हैं, वो नहीं सुनते। और दूसरा मुर्दों से मुराद हकीकी कब्रों वाले मुर्दे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि अगर अल्लाह के हबीब, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों वालों को और असहाबुल कबूर को नहीं सुना सकते, तो क्या मैं और आप सुना सकते हैं? समाए मौता के ऊपर एक बहुत तवील हदीस है, लेकिन ये आयत उसके हवाले से बहुत अच्छी तरह से वजाहत करती है। अल्लाह हमें अकायद को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। ना उन बहरों तक अपनी पुकार पहुँचा सकते हैं जो पीठ फेरे भागे जा रहे हों, और ना ही अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो बात उन्हीं को सुना सकते हो ना जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और फिर फरमा बरदार बनते हैं। जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा, तो हम उनके लिए एक जानवर ज़मीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। अलामत क़यामत कुबरा में से कल हमने जो बात की थी वो याजूज और माजूज की थी, और पिछले दो दिन हमने याजूज और माजूज का तस्करा पढ़ा। याजूज और माजूज के मर जाने और उनके जिस्मों की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ बारिश के बहकर उनकी जिस्मों का समुंदर में चला जाना, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो हैं वो गारों में जो पना नगजीन हो गए थे वहाँ से निकलेंगे और फिर वो ज़मीन में आबाद होंगे, इस्लाम गालिब होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह करेंगे, उनके बीवी बच्चे होंगे और फिर वो फौत होंगे और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर दिया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हमें पता चलता है कि तमाम उस दौर में रूए ज़मीन पर जितने मुसलमान होंगे उनके गले में एक हवा चलेगी, एक वबा में एक हवा चलेगी और उनके गले में एक हल्की सी बीमारी होगी, और हल्के से बुखार और गले की बीमारी के साथ तमाम मुसलमान हलाक हो जाएंगे। आगे चलने से पहले मैं ये कहूँ कि शायद आज कुछ लोग ये चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि शायद ये कोरोना वही बीमारी है। अरे ये वो बीमारी नहीं है, ये वो बीमारी नहीं है। वो बीमारी याजूज और माजूज के आने के बाद, इमाम मेहदी के आने के बाद, दज्जाल के जाहिर होने के बाद, नज़ूल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आनी है। खुदा का होश के नाखून ले, ये वो बीमारी कैसे हो सकती है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद फिर तमाम मोमिनों को एक हवा चलेगी और गले में तकलीफ़ होगी और बुखार की बीमारी होगी और सारे मुसलमान हलाक हो जाएंगे। हल्की सी बीमारी के साथ, जैसे फ्लू टाइप बीमारी है, उससे तमाम मुसलमान हलाक हो जाएंगे और फिर रुए ज़मीन के ऊपर सारे के सारे बदतरीन काफिर और मुशरिक रह जाएंगे। अब ज़मीन जब काफिरों और मुशरिकों के साथ भर जाएगी तो इस रुए ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं रहेगा। जब ज़मीन पर अल्लाह का जिक्र नहीं होगा तो फिर अल्लाह के हुक्म से एक रुए ज़मीन का टुकड़ा फटेगा और उससे दाब बतम मिनल अर्ज़, ज़मीन से एक चौपाया वारिद होगा।
इसको अल्लाह कुव्वत गोयाई बोलने की ताकत देंगे और ये लोगों को बोल के अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा, तौहीद की दावत देगा और शिर्क से रोकेगा। जब लोगों ने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया तो चौपाए को मौजाना तौर पर कुर्बे कयामत से पहले निकाला जाएगा, ये इत्तेमामे हुज्जत होगी। लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आएंगे। फिर एक हबशी, पतली पतली पिंडली और घुंघरियाले बालों वाला एक हबशी आएगा और वो अपने कुल्हाड़े और हथौड़े के साथ हरम की इमारत को ढाने और मिसमार करने लगेगा कि फिर सूर फूंका जाएगा, एक आग आएगी और वो लोगों को हशर की तरफ हांक ले जाएगी। ये दाबतम मिनल अर्ज अलामत कयामत में से बिल्कुल आखिरी अलामतों में से एक है। और हाँ, सूरज मगरिब से तलू हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ज़रा तसव्वुर करो इस दिन का जब हम हर उम्मत से एक फ़ौज की फ़ौज उन लोगों के लिए घेर लाएंगे जो हमारी आयात का इनकार करते थे, फिर उनको इकसाम के लिहाज से दर्जा ब दर्जा मुरतब किया जाएगा, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे ना, यानी जो काफिर बेनमाजी होंगे उनका अलग ढेर बना दिया जाएगा, बदहदों का अलग ढेर बना दिया जाएगा, जानियों का, मुख्तलिफ लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएंगे और उनको पाइल अप करके स्टैक कर दिया जाएगा, बिल्कुल जैसे इंसिनरेटर में कूड़ा डालने से पहले स्टैक अप कर दिया जाता है ना, तो इसी तरह जहन्नमियों को दर्जा ब दर्जा मुरतब किया जाएगा, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे ना तो उनका रब उनसे पूछेगा, तुमने मेरी आयात का इनकार किया था ना, हालांकि तुमने इल्मी अहाता नहीं किया था, अगर ये नहीं किया था तो तुम और क्या कर रहे थे, उनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा, तब वो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई नहीं देता था कि हमने रात उनके लिए सुकून हासिल करने को बनाई और दिन को रोशन किया, इसमें बहुत निशानियां थी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे, और क्या गुजरेगी उस रोज जब सूर फूंका जाएगा, हौल खा जाएंगे वो सब जो आसमानों और जमीन में हैं, सवाए उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हौल से बचाना चाहे। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती हशरी, और सब कान दबाए उस रोज हजूर अल्लाह के हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस वक़्त ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज़ को हिकमत के साथ उस्तवार किया है, और वो खूब जानता है तुम लोग क्या करते हो। जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे इससे ज़्यादा बेहतर सिला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हॉल से महफूज होंगे, और जो बुराई लिए हुए आएगा ऐसे सब लोग ऊंधे मुँह आग में फेंके जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और जजा पा सकते हो कि जैसा करो वैसा ही भरो। इनसे कहो, मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि इस शहर, किसके, मक्का के शहर के रब की बंदगी करूं जिसने उसे हरम बनाया, जो हर चीज़ का मालिक है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बन के रहूं, और मुस्लिम बन के क्या करूं, मुझे और आपको भी कहा गया है कि मुस्लिम फरमा बरदार इख्तियार अमल से सरेंडर करने वाला बन के रहो। और मुस्लिम बन के क्या करो, सिर्फ कुरान खुद पढ़ते रहो, सिर्फ खुद कुरान तलावत करते रहो, ये कुरान पढ़ के सुनाओ, कुरान पढ़ के सुनाओ, कुरान को लोगों तक पहुंचाना, इसकी तबलीग, इसकी अरशात में अपना हिस्सा डालना, ये हुक्म खुदा बनती है। अल्लाह अगर हम खुद नहीं कर सकते तो अल्लाह हमें ये काम करने वालों का मुआविन बना दे। अब जो हदायत इख्तियार करेगा वो अपने ही भले के लिए हदायत इख्तियार करेगा, और जो गुमराह होगा उससे कह दो, मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूँ। उनसे कहो, तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अनकरीब वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, तेरा रब बेखबर नहीं उन आमाल से जो तुम लोग करते हो। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह सुभान ताला, तेरे कुरान की महफिल है, तेरे ज़िक्र की महफिल है, घर घर में कुरान खुला है, मेरी बहुत सी बेटियों ने, मेरी बहुत सी बहनों ने, मेरी बहुत सी माओं ने तेरी मोहब्बत में इस कुरान को सीखने के शौक़ में अपनी झोलियों में तेरा कलाम ले रखा है। अल्लाह झोलियाँ फैली हैं, सबकी दुआएँ कबूल फरमा लेना।
अल्लाह जिस जिस के हक में जो दुआ उसके हक में बेहतर है, अपनी नज़र रहमत से उन सब की सारी दुआओं को कबूल फरमा लेना। यार हमर राहिमीन, अल्लाह इस महफिल में सबके, छोटे बड़े, छोटों के बड़ों के, अगले पिछले सब गुनाह अपने वादे के मुताबिक माफ़ फरमा देना। अल्लाह तेरा वादा है कि जिक्र की महफिल में बैठने वालों के लिए तो तू ऐलान फरमा देता है, इन सब को कह दो कि इनके उठने से पहले मैंने इनके गुनाह बख्श दिए। अल्लाह हम सब के सारे बख्श देना, अल्लाह हम सब के सारे गुनाहों को बख्श देना। अल्लाह जो तेरी नाफरमानी का देखा, जो सुना, जो पहना, जो ओढ़ा, जो बोला, अल्लाह सब माफ़ कर देना। अल्लाह सुभाना ताला जो ज़्यादतियाँ हुई, जो कमियाँ कुताहियाँ हुई, जो सुस्तियाँ हुई, अल्लाह नज़र रहमत से माफ़ करना। अल्लाह जो लाइल्मी कुरान की दूरी के दौर में हुई, अल्लाह उनको भी दरगुजर करना। कि अल्लाह नेकियाँ छोटी हैं, बहुत थोड़ी हैं, टूटी फूटी हैं, अल्लाह नाकिस हैं, इन्हीं को कबूल कर लेना। या अल्लाह इन नेकियों में और ईमान में इस्तकामत अता फरमाना। मरते दम तक नमाज कायम करने वाला, कुरान के साथ जुड़ने वाला बनाना। या अरहमुर राहिमीन, अल्लाह सुभाना ताला हमारी औलादों की हिफाजत फरमा। हमारे बहन भाइयों, हमारी औलादों, हमारे अजवाज, हम सब को अल्लाह बेहतरीन ईमान, दीन, इस्लाम अता फरमा। अल्लाह जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसको मानने वाला बना, बग़ैर शक और शुबे के तरद्दुद के इस पर अमल करने वाला बना। अल्लाह सराते मुस्तकीम में हमें बेहतरीन साथी अता फरमा, मुआविन बेहतरीन काफ़िले अता फरमा। अल्लाह इस रास्ते की, जन्नत के रास्ते की सारी रुकावटों को दूर फरमा दे। अल्लाह इस रास्ते पर चलते चलते हमें अपने अगले पिछलों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा देना। या अल्लाह रिस्क हलाल अता फरमा, रिस्क हराम की पहचान और कराहत अता फरमा, जो रिस्क दे उस पे तवक्कुल और कनाहत अता फरमा। अल्लाह सुभाना ताला जो आफतें, जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलात उमड़ उमड़ के आ रही हैं, अल्लाह इनको अपनी नज़र रहमत से दूर फरमा दे। अल्लाह अपने करम और अपने फ़ज़ल को शामिल हाल करके हमें अपने गज़ब, अपनी नाराज़गी से बचा ले। अल्लाह हमें थोड़े ना रख, हमें ज़्यादा कर दे। अल्लाह हमें महरूम ना रख, हमें अता कर दे। हमें जलील ना कर, हमें इज़्ज़त अता कर दे। अल्लाह दूसरों को हम पर मुकद्दम न रख, हमें दूसरों पर मुकद्दम कर दे। अल्लाह हमसे खुश हो जा और हमें खुश कर दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा, मुसलमान जहाँ जहाँ कट रहे हैं, जहाँ जहाँ पिस रहे हैं, उनका मुहाफिज निगरान बन जा। अल्लाह सुबहाना ताला मेरे मुल्क को अमन और इस्तेहकाम अता फरमा। बेहतरीन दीनदार मुसलमान, कुरान नाफिज करने वाले हुक्मरान अता फरमा दे। अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगी में निफाज़े इस्लाम की बहार दिखा दे। अल्लाह सुबहाना ताला जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से महरूम रहे हमारे हक़ में अम्बिया सालहीन की दुआएँ कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इन्नहा सात मुस्तकर्रुम व मुकामा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين।